टुडे वी आर हियर फॉर हिस्ट्री लेक्चर। आपके पास शीट है ना सबके पास। सो टुडेज अवर टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग कंपनीज रूल। देर आर टू पार्ट्स इन मॉडर्न इंडिया अगर हम देखें। फर्स्ट इज कंपनीज रूल टिल द टाइम ऑफ 1858। उसके बाद किसका रूल है 1947 तक? क्राउन का। वाई? क्योंकि कंपनी का जो रूल है उसको हटा के क्राउन ने टेक ओवर कर लिया ऑफ द टेरिटोरियल पोजेशंस ऑफ कंपनी 1858 में, एंड वी इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन। क्राउन याने ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले वी विल हैव ए आउटलुक के भाई हिस्ट्री क्या है और हम हिस्ट्री को किस अप्रोच से पढ़ेंगे। ऑल सेटल्ड ना? ऑनलाइन पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, एम आई ऑडिबल? ओके। सो दिस प्लीज कम। आप में से कितने हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं? किसी ने नहीं देखा? देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो अबाउट द एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव? सो टू नो अबाउट द एग्जाम आपके पास क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू एन स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशंस? सिलेबस। सिलेबस इज लाइक बाइबल टू यू, बिकॉज विदाउट नोइंग सिलेबस ऑफ एनी एग्जाम हाउ यू गोना स्टार्ट द प्रिपरेशन? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड के क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि हिस्ट्री या कोई भी टॉपिक आप ले लें, पॉलिटी ले लें, इकोनॉमी ले लें, साइंस एंड टेक ले लें, इफ यू डू नॉट नो योर सिलेबस देन यू विल नॉट एबल टू ड्रॉ द बाउंड्रीज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एट द सेम टाइम व्हेन यू नो द बाउंड्रीज यू ऑल्सो हैव टू नो किस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सो टू नो वेयर टू फोकस मोर एंड वेयर टू फोकस लेस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज सिलेबस, सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विदाउट नोइंग सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू शुड नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Then the third thing, most important thing after these two things is mentorship or teacher, because teacher or mentor will keep you on the right track. But teacher or mentor bhi syllabus or previous year questions ke basis par hi will guide you and keep you on the right track, because they are the guiding light for all the aspirants. Kya? Syllabus and previous year question. सो माई एडवाइस टू यू कि आप तैयारी तो करेंगे ही सही, ये तो आप सबको श्योर है। सो प्लीज हैव ए कॉपी ऑफ सिलेबस। आई थिंक कॉपी ऑफ सिलेबस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द फर्स्ट क्लास। सो डू यू हैव, लाए हो ना? और सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए वो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चन। सो अगर आपके पास हैं तो आप क्लास में रोज लाए, अगर नहीं है सो आई एडवाइज यू प्लीज गो टू द मार्केट एंड हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोथ प्रीलिम्स के और मेंस के, जीएस के। इससे क्या होगा, वैसे तो वेन एवर वी आर गोइंग टू टेक एनी टॉपिक्स, अगर आप आज की शीट देखें, एंड के पेजेस देखिए, क्वेश्चंस हैं। सो इन क्वेश्चंस को क्यों दिया गया है, सो दैट वेन एवर एनी टॉपिक विल बी कवर्ड आपको ये पता रहे कि जो टॉपिक कवर किया है क्या उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, दीज क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस। इसके अलावा भी हो सकता है आप किसी और एग्जाम के, पर वो सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल होना है, एंड दीज क्वेश्चंस should be remembered by you all the time. जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वेन यू विल रीड द मेटेरियल, देखो द
chances that the same questions will be asked by UPSC are very low. But ऐसा भी हुआ है, आई थिंक 2014 और 15 सेम क्वेश्चन अबाउट द बुद्धा, 14 एंड 15 सेम क्वेश्चन. ये भी नहीं कह रहा कि कुछ चेंज कराओ, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस और आंसर तो सेम होगा ही सही. तो 14 और 15 सेम क्वेश्चन आया था. आज आप जाके देखिएगा जब आप मटेरियल, जब आप पीवीएस से क्वेश्चन देखेंगे अबाउट द बुद्धा एंड द फोर किंगडम्स वर गिवन, कि इनमें से बुद्धा कौन कौन सी किंगडम में पर्सनली गए थे. फोर ऑप्शंस वर गिवन. सो अगर किसी को कुछ नहीं आता और प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ के जाता है तो देर आर हाई चांसेस दैट ही विल स्कोर गुड मार्क्स. मैंने ये नहीं कहा क्लियर हो जाएगा, मैंने कहा हाई चांसेस ही विल स्कोर गुड मार्क्स. गुड क्लियर होने के लिए तो पढ़ना भी पड़ेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा. पर प्रीवियस ईयर विल कीप यू ऑन द ट्रैक. और जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कंफर्टेबली करने लग जाएंगे सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. दिस एग्जाम और एनी एग्जाम इज also about the confidence level you have when you are going to write the exam in the exam hall. Because trust me, if you have the same level of preparation, but if on the one hand you have high confidence and the second, if second other side you don't have much confidence, your score will be very different even by having the same level of preparation. क्योंकि उससे क्या होगा, आप आंसर मार्क करते समय डरेंगे अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल सही नहीं होगा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं होगा तो. और जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो सेम क्वेश्चन में आपको पता होगा कि आई हैव रेड दिस, इफ आई हैव रेड दिस और ये ऑप्शन है तो ये सही है, और इफ आई हैव नॉट रेड दिस इन द स्टैंडर्ड बुक देयर आर चांसेस दैट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, और आप इन्फ्रेंस भी लेने लग जाएंगे. तो प्लीज मेरी एडवाइस लीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिए. Now we will come to the, before starting this topic, आपसे मेरी क्या expectations रहेंगी, ठीक है? आपको notes मिलेंगे class में? मेरी expectation आपसे रहेगी कि after the end of class, please go through these notes carefully, ठीक है? आप जो भी class notes बनाएंगे, मैं बोलूँगा, उसमें आपको कुछ important लगेगा, आप लिखेंगे ही सही, और मैं dictate तो कराऊँगा ही सही. उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप घर जाएं, इस notes को पढ़ें, और एक बार पढ़ के notes ना बनाएं. क्या होता है जनरली हम व्हेन वी गिव इट फर्स्ट रीडिंग टू एनी ऑफ द बुक और एनी ऑफ द मटेरियल, हमको सब चीजें क्या लगती हैं, इंपॉर्टेंट लगती हैं. तो व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ एनी मटेरियल, क्या होता है वो मटेरियल को ही रिफ्लेक्शन हो जाता है. मतलब अगर 10 पेज का नोट्स है तो आपके नोट्स भी, तो उससे कोई मतलब नहीं है. आपका जो खुद के नोट्स होने चाहिए वो मटेरियल का 10-20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दे शुड बी मोर ऑफ द नेचर ऑफ इंडिकेटिव, इंडिकेटिव नेचर होना चाहिए. बिकॉज कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के मेंस में, 10, 12.5, 15, जीएस में इससे बड़े नहीं आते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव ओनली मैक्सिमम 300 और 250 वर्ड्स टू राइट एंड द टाइम इज आल्सो लिमिटेड. सो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ 4 or 5 pages ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसाइज इट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इन होम क्लास और टेस्ट. सो आपको क्या करना है, इसको एक बार रीडिंग देनी है. फर्स्ट रीडिंग शुड बी फास्ट. सेकेंड रीडिंग में यू आर गेटिंग सेंस, क्योंकि आपके पास खुद के नोट्स हैं, क्लास से आप गए हो, फ्रेश है आपके दिमाग में. देन स्टार्ट मेकिंग इंडिकेटिव नोट्स, कि ओके दिस इज माई मेटेरियल, दिस इज क्लास नोट्स, नाउ आई हैव रेड इट ट्वाइस, दीज आर द इंडिकेटिव थिंग्स आई शुड राइट. उसके बाद वेन यू गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, बिटवीन द लेक्चर नोट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास देर शुड बी सम गैप. क्यों, 2-3 pages आपको छोड़ने हैं, क्योंकि हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल एनकाउंटर डिफरेंट क्वेश्चन, यू विल एनकाउंटर डिफरेंट मेटेरियल, और क्लास में आपको कोई ऐसी चीज उस टॉपिक की पता लगे जो हो सकती है, तो यू हैव टू राइट. अगर आप अलग अलग जगह लिखेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू समराइज, एक ही जगह एक ही टॉपिक के चीजें होनी चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स मैं पहली क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको आप इस तरह से नोट्स बनाइएगा, ठीक है? Now we will start today's class. क्या किसी और को भी ये डाउट है? ये कह रहे हैं कि नोट्स प्री स्पेसिफिक बनाए, मेंस स्पेसिफिक बनाए, क्योंकि कई बार नोट्स में कुछ प्री की चीजें छूट जाती हैं, कुछ मेंस की चीजें छूट जाती हैं. यही आपका
सिलेबस जो है वो क्लास में पूरा पूरा बता, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे फॉर ओनली प्रीलिम्स, सिर्फ 2 लाइन का है हिस्ट्री का, तो सिलेबस डिफाइन, मेंस का तो डिफाइन है, पर फिर भी क्या उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में सारे टॉपिक्स हैं? क्या लिखा है? फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो सिलेबस डिफाइन करने का बेस्ट तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहीं से आपको सिलेबस का एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि कई चीजें अनडिफाइंड है सिलेबस में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस कुछ भी है, ठीक है? किसी ने पूछा था बच्चे ने, तो मैं बताया शुड बी फॉलो फॉर मॉडर्न। देखिए बुक लिस्ट में अभी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होता है, अभी आप क्लास नोट्स पे फोकस करिए, रिफरेंस के लिए जो टॉपिक बताया जाएगा आपको बता देंगे, पर अभी बुक्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्या होता है, अभी आप नए हैं, बुक्स में आपको बता दूंगा, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग अलग बुक्स होंगी। आप क्या करना चालू कर दोगे, फ्रंट पेज टू लास्ट पेज पढ़ने की कोशिश करोगे, जो एक आइडियल स्टूडेंट करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यू विल नॉट नो कि कौन सा टॉपिक किसमें कितना पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट रिटन फॉर द यूपीएससी एग्जाम, दे आर रिटन फॉर अकेडमिक पर्पजेस और एनी अदर पर्पजेस जो भी राइटर लिख रहा है। आपको कौन सी चीजें चाहिए? आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लिखना है। सो बी विद योर टीचर, टीचर जो बोल रहा है उसको फॉलो करिए, ठीक है? एंड हाँ, जो इनका सवाल पे हम आते हैं, देखिए आपकी प्रिपरेशन अगर आप सोचते हैं कि यू कैन डिवाइड इन 3 मेंस एंड इंटरव्यू, इट्स ए रॉन्ग कंसेप्ट, इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, ये हो सकता है कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो, मेंस के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो, तो आप ये कर सकते हैं, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं दोज नोट शुड बी योर बेसिक मेटेरियल। आपका रेफरेंस के लिए आपको चीजें बताई जाएंगी, दी जाएंगी, और उसके साथ व्हेन प्रीलिम्स की, जैसे कि आपको तनु मैडम ने भी पहली क्लास में बताया था, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक चीजें हम लेटर हाफ ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर चालू करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको किसी एक एग्जाम में काम आए, ये दोनों एग्जाम में आपको काम आएगी। इसलिए जब हमने आपको सैंपल क्वेश्चंस पीछे दिए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं। हाँ, और मैं ये भी चाहूंगा, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लास में ही सोल्व करेंगे, क्योंकि घर पे दे दिया तो कई लोग करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, फिर भी मेरी हम क्लास में सोल्व करेंगे। और आपको पिछली क्लास का कोई भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास में यू आर फ्री टू आस्क, और प्लीज आस्क। मेरे टीचर कहते थे कि अगर आप क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो दो ही इसके कारण हो सकते हैं, देर आर ओनली 2 रीजंस दैट क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन द क्लास। फर्स्ट, स्टूडेंट को सब आ गया है, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और सेकंड, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आया है, और पहली सिचुएशन आइडियल है, कभी भी नहीं होती। कोई टीचर इतना अच्छा नहीं है कि जो क्लास में पढ़ाया आपको उसी टाइम सब समझ में आ गया, सो डाउट आपके मन में रहते हैं, प्लीज पूछिएगा, है ना? मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कम पूछो, आप जितने भी डाउट पूछिए पूछिए मुझे। आप ये मत सोचेगा कि डाउट का नेचर क्या है, खराब है अच्छा है, वो मैं डिसाइड करूंगा। इफ इट हैज टू बी गिवन आंसर, आंसर हैज टू बी गिवन, मैं दूंगा आंसर, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप जो भी बच्चे यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, यू आर हेयर फॉर योर ओन सिलेक्शन, यू आर नॉट हेयर फॉर एनीबडी एल्स सिलेक्शन। तो ये मत सोचिएगा पड़ोसी को डिस्टर्ब होगा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हिस्ट्री चालू करने के पहले मैं आपका हिस्ट्री के बारे में जनरल परसेप्शन जानना चाहूंगा। व्हाट डू यू थिंक when you have to read history for UPSC exam, what do you think about the history? History is nothing but chronological study of past. So history is nothing but chronological study of past. We are not saying it is a study of past. It is a chronological study of past. What do you mean by the chronological study of past? Time by time. ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले 15th सेंचुरी पढ़ ली, फिर जाके 8th सेंचुरी पढ़ ली, फिर जाके 10th सेंचुरी पढ़ ली, फिर कुछ भी नहीं उठाना है। क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री, सिंपल टर्म्स में, ठीक है? अब जो आज का टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर। हम क्या करेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, आप कुछ मत लिखिएगा। आपको कुछ लिखना भी है तो आप इंडिकेटिव वे में लिख सकते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे हम इंडिकेटिव वर्ड्स को मैं लिखूंगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पर मैं समझाऊंगा पहले आपको, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, उसके बाद मैं डिक्टेट कराऊंगा। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल इस टेक्निक में, क्योंकि आप लिखते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, तो हो सकता है आप कुछ की टर्म भूल जाए, छूट जाए आपसे। मेटेरियल आपके पास है, यू कैन एनी टाइम रिफर दिस मेटेरियल, ये भी ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। वी विल हैव ए इंटरेक्टिव क्लास एंड आफ्टर दैट, After some time, हम dictation में आपको कराऊंगा, आप लिखिएगा, और फिर एक बार फिर डिस्कशन करेंगे, then we will take in the end of the class, we will take the
क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन भी बीच में भी आप पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन एंड ऑफ द क्लास और द क्वेश्चन विच आई हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा उसी क्लास में, और नेक्स्ट डे यू कैन कम एंड आस्क एनी डाउट, ठीक है। सो आज का टॉपिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग कंपनीज रूल। एज आई टोल्ड यू, कंपनी रूल को हम कब से चालू हुआ मानेंगे, कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर, पर व्हेन इन 1765 आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसके साथ साइन हुई थी, मुगल एम्परर शाह आलम। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद व्हेन इट वाज साइंड, कंपनी गॉट द रेवेन्यू राइट्स। देखिए बैटल कहां पर जीती, 1764, तो राइट्स तो आ गए, व्हेन यू हैव वॉन द बैटल यू आर द पीपल ऑन द ग्राउंड, यू हैव ऑल द पावर, बट टू गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन उस टाइम का वर्ड नहीं है, वो मैं अभी यूज कर रहा हूं, पर रिकॉग्निशन क्या भाई, पेपर वर्क हुआ है, क्या करा हमने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, किसके साथ, द मुगल एम्परर हु वाज द नॉमिनल हेड, बिकॉज उस टाइम नवाब का थे बंगाल में, 1764 के पहले भी थे और 1757 तक तो ऑल पावरफुल थे, बट द नवाब वर ऑल्सो, नवाब्स वर ऑल्सो रूलिंग इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के, क्योंकि मुगल एम्परर ही सनद देता था, क्या सनद मतलब इस टाइप ऑफ रिकॉग्निशन दैट यू आर द राइटफुल रूलर, यू कैन रूल इन माई नेम, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है, तो यहां पे जब आप को रूल करने की अथॉरिटी मिल गई, क्या मिला, रेवेन्यू राइट्स, और निजामत राइट किससे लिया, नवाब ऑफ बंगाल से, वो हम अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक सरसरी निगाह से बता रहा हूं। तो कंपनी स्टार्टेड इट्स रूल, बट कंपनी ने अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हैंड में नहीं ली थी। हुवर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नवाब्स वर गिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कंपनी रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ विद द कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या, जो उनको कलेक्ट करना है। सो कंपनी वॉज हैविंग रेवेन्यूज ऑफ द बंगाल एट इट्स डिस्पोजल, बट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ नवाब। अब नवाब के पास क्या नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, बिना रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। सो फ्रॉम दिस टाइम टिल द एबोलिशन ऑफ दिस सिस्टम डुअल गवर्नमेंट 1772, कंपनी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी वे। In 1772, Warren Hastings was the Governor General. He abolished the dual government system and established the administration of company in the Bengal. Bengal उस time क्या क्या है? Bengal, Bihar, Odisha और आज का झारखंड, ठीक है? So a situation arised where a company of merchants having direct political control over a vast territory जो कि ब्रिटेन की टेरिटरी से बड़ी है। So इस सिचुएशन में स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। तो अब ये आइडिया लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने 1773 से क्यों चालू हुआ, बिकॉज इसके पहले कंपनी तो इंडिया में कब से थी, 17th सेंचुरी से, व्हेन द चार्टर वाज ग्रांटेड टू द कंपनी 31 दिसंबर 1600 बाय द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इतना टाइम के बाद क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट रूल चालू कब हुआ, डायरेक्ट रूल इन द पेपर, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन देखना ही रूल है, समझ गए। मद्रास और बॉम्बे में भी कंपनी की प्रेसिडेंसीज थी, पर क्या वो इतना लार्ज एरिया वहां पे रूल कर रही थी, नहीं कर रही, ना इतना रेवेन्यू उनके पास था। सो मेजर चेंजेस जो हुए वो 1772 से हुए, और क्या क्या हुए वी विल सी 1772 में क्या हुआ। 1772 में abolition of dual government, तो start करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में कभी ये सवाल आया, have you ever thought about this, given a thought कि why company was in India first place, second why company was having military power in India, why company was meddling in the affairs of native states, why it is having political ambitions, क्या इनमें से एक भी सवाल आपके दिमाग में कभी आया, इसका हाँ होता है कि ना होता है इसका मतलब अच्छा
फील फ्री एनीथिंग, आपको कोई चीज रिपीट करनी है, आपको समझ नहीं आई हो और आपने सुना नहीं, वॉइस नहीं आ रही, लोग बोल रहे हैं, बस चेक करिए. एम आई ऑडिबल? एक ही को नहीं आ रही होगी, बाकी तो हाँ कह रहे. सो वेर आई वॉज? यस. क्या आप में से, इनमें आप में ये सवाल कभी सोचा? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन. वाई कंपनी वॉज इन इंडिया एट फर्स्ट प्लेस? In first place, why it was having military power with them, why they were meddling in the affairs of native states, and why they have or they had any kind of political ambitions in India. कभी आपने सोचा इस तरह का कि रूल चालू हो गया, constitutional development हम पढ़ेंगे, पर पहले ये जरूरी है जानने के लिए why they came to India in first place and why they were behaving in a way in which they are behaving, they were behaving. So इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. आपने यूरोप की प्लेग के बारे में सुना है? 14 सेंचुरी में बुबोनिक प्लेग हुआ था यूरोप में, एंड मेजर जब कोरोना आया, तो सब इस तरह के जो इवेंट थे उनके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. तो उसमें एक मेजर इवेंट था इन द हिस्ट्री, 14 सेंचुरी का बुबोनिक प्लेग, इन विच अराउंड 10-20 करोड़ पीपल ऑफ दैट टाइम इन यूरोप वर. उस टाइम पे यूरोप की सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी थी? फ्यूडल सोसाइटी. फ्यूडलिज्म समझते हैं आप? देखिए, एक तो होता है किंग इज ऑल पावरफुल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, और एक होता है किंग इज नॉट दैट पावरफुल, स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है किसके पास? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब जैसे कि आप हमारे परिप्रेक्ष्य में इंडियन कंटेक्स्ट में समझें, तो जमींदार सुना है आपने, जागीरदार जमींदार, क्या उनके पास बहुत सारा एरिया होता है स्टेट जितना? पर जितना भी एरिया होता है क्या उसमें उनका कंट्रोल स्ट्रांग होता है? और उसमें मेन इकोनॉमी क्या होती है? एग्रीकल्चर. और दे इन्फ्लुएंस, दे हैव ए सर्टेन होल्ड ऑन पीजेंट्स, फार्मर्स, पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. और मान लीजिए इंडिया में आज हर जगह पे छोटे 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 जमींदार हो जाए, तो क्या सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाएगी? पर किसका स्ट्रॉन्ग रूल होगा? जमींदार का. और हर एरिया छोटे छोटे बटे होंगे, ठीक है? इस तरह की सोसाइटी जिसमें कि मेन इकोनॉमिक से है एग्रीकल्चर, एंड ए लैंडलॉर्ड having a power over the peasants, serfs and the people around that particular area. और जिसमें हर जमींदार के ऊपर एक बड़ा जमींदार भी हो सकता है. एक छोटे गांव का हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, उसके नीचे एक टाउन लेवल पे हुआ, उसके ऊपर एक हुआ. तो इस तरह की जो हायरकी होती है जिसमें मेन से किसका होता है, कौन पार्ट प्ले करता है आपकी हायरकी का, लैंड आपके पास कितना है, इस तरह की सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं. ये मैंने बहुत बेसिक लेवल पे समझा है क्योंकि दिस इज नॉट द मेन टॉपिक ऑफ अवर टूडेज क्लास, ठीक है? तो जब इस तरह की सोसाइटी में प्लेग जैसी कोई बड़ी बीमारी आएगी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल की डेथ हो जाएगी, तो क्या इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंपैक्ट होगी? इस तरह अब देखिए, हम बात अभी करेंगे 18 सेंचुरी की, पर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 14 सेंचुरी बिकॉज ऑल इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड यू विल एबल बेटर एबल टू ग्रास्प कि चीजें कैसे हुई, व्हाई दे केम टू इंडिया इन फर्स्ट प्लेस, ठीक है? सो व्हेन दिस सिचुएशन ऐसा हुआ तो क्या हुआ? फ्यूडल सिस्टम में क्राइसिस हुआ. फ्यूडल क्राइसिस कब हो रहा है? ये 14 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसमें और भी चीजें हुई पर हम एक मोटा मोटा देख रहे हैं कि इससे एग्रीकल्चरल की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई? कम हुई. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर बिकेम लेस लुक्रेटिव, और किसकी एग्री और ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी. ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए क्या जरूरी है? कि बैरियर्स ना हो, ट्रांसपोर्ट बैरियर ना हो, ट्रेवल करने के लिए बैरियर ना हो, बैंकिंग का सपोर्ट हो, कमर्शियली रिवोल्यूशन हो चुका हो या कमर्शियली जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सपोर्टिव हो, और स्टेट का भी रूल एंड रेगुलेशन सपोर्टिव हो. कई तरह की चीजें चाहिए. तो ट्रेड एंड कॉमर्स, इस फ्यूडल क्राइसिस में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई, और किसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई? एग्रीकल्चर की. इसी टाइम पर स्ट्रॉन्ग स्टेट्स स्टार्टेड इमर्जिंग ऑन द सीन ऑफ यूरोप. व्हाई? गन पाउडर यूज टू बी स्टार्ट, यूज ऑफ गन पाउडर वॉज स्टार्टेड बाय द किंग्स. किंग्स के पास गन पाउडर होने से क्या हुआ? दे कैन नाउ हैव कैनन्स एंड
वेपन्स, वो वेपन जो छोटी फ्यूडल लोर्ड्स एफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब असिमेट्री इन पावर आएगा तो समवन विल बिकम पावरफुल। तो जब ऐसा हुआ तो फ्यूडल क्राइसिस इकोनॉमिक लेवल पे भी हो रहा था और स्टेट लेवल पे भी क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इमर्ज हो रही थी। इसी के साथ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बाय द एज 1500 इटली इमर्ज एज द मोस्ट प्रोस्परस नेशन ऑफ यूरोप। व्हाई? बिकॉज इटली के पास एक लार्ज कोस्ट लाइन थी, इटली मेडिटेरियन सी पे फेवरेबली प्रेजेंट था, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी और लैंड रूट भी ईस्ट, जो कि ईस्ट मतलब टर्की और उस टाइम का जो पीरियड है, मतलब जो टर्की है या ईस्ट है, और क्या हो सकता है, जो अभी का इजराइल है, अभी का सीरिया है, अभी का ईरान है, लैंड रूट्स टर्की इटली के पास फेवरेबली अवेलेबल थे कंपेयर टू अदर वेस्टर्न पावर्स। अब जब ये फ्यूडल क्राइसिस हो रहा है तो फ्यूडल क्राइसिस पूरे यूरोप में ना होके जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें ज्यादा है, ईस्टर्न यूरोप में फ्यूडल लॉर्ड्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है दे वर मोर इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बाय द टाइम ऑफ 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी। अभी भी आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगीज है, इटालियन है, इटली है, और ईस्टर्न यूरोप में क्या आता है, पोलैंड है, रशिया है, हंगरी है, इस तरह के कंट्रीज। तो यू आर गेटिंग द सेंस व्हाई थिंग्स वर हैपनिंग इन अ वे दे वर, व्हाई थिंग्स हैपन इन अ वे दे हैपन। तो ये हुआ। अब जब आपके पड़ोसी अमीर होंगे, व्हेन दे वर प्रोस्परिंग, आपके मन में क्या ख्याल आएगा, अमीर होने का ख्याल आएगा, इट इज नेचुरल टेंडेंसी। व्हेन इटली वॉज रीपिंग बेनिफिट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अदर स्टेट्स स्टार्टेड सेइंग, हमें भी अमीर होना। एट द सेम टाइम सम अदर थिंग्स वर आल्सो हैपनिंग। क्या क्या? रिनेसा का नाम सुना है, रिफॉर्मेशनरी मूवमेंट का नाम सुना है, दे वर आल्सो हैपनिंग, दे ऑल वर लिंक्ड टू ईच अदर, पर हम अभी डिटेल में उस पर नहीं जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा था, ह्यूमनिज्म का फोर्स बढ़ रहा था, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था। सो और अब आपको ट्रेड करना है, साइंस की थोड़ी ग्रोथ हो रही है, कंपास आ गया था चाइना से, एस्ट्रोलोब यूज करने लग गए थे, तो एक्सप्लोरेशन का एक दौर चालू हुआ। क्यों हुआ? तीन उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। गोल्ड किससे आएगा? आप ट्रेड करेंगे उससे आएगा। ग्लोरी किससे आएगी? आप एक्सप्लोर करेंगे। यू नो द नेम ऑफ कोलंबस एंड वास्को डी गामा बिकॉज दे एक्सप्लोर्ड न्यू थिंग्स। और किसी का जानते हैं? यू नो द नेम ऑफ किंग्स ऑफ दैट टाइम? नो, बट यू नो द नेम ऑफ वास्को डी गामा एंड कोलंबस। तो क्या चाहिए? ग्लोरी, गोल्ड। हमने बताया कैसे आएगा, एक्सप्लोर करेंगे और ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने से क्या होगा, हम बनेंगे अमीर, किसकी तरह, इटली की तरह, बाकी लोग ऐसा सोच रहे। और गोल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड? जील ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। हम क्या फैलाएंगे? क्रिश्चियनिटी। तो इन तीन कारणों से एक्सप्लोरेशन की एक एज आई और विद इन सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल द नॉन वर्ल्ड्स, अंटार्कटिका छोड़ दो और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम है, पर बाकी ऑल नॉन वर्ल्ड, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, और इंडिया का रूट, ट्रेड रूट डायरेक्ट ईस्ट में इंडोनेशिया, इन सब का ये जो टाइम पीरियड है आप पाएंगे एंड ऑफ 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी, ऑल द ट्रेड रूट्स वर ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड। किसके कारण? क्या जील थी पीछे? गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड, गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड। तो ये सब चल रहा है। तो अब आपको पता है वास्को डी गामा कौन सी कंट्री से थे? पुर्तगीज से थे। और कोलंबस जो थे वो स्पेन वालों ने उनको भेजा था। तो स्पेन और पुर्तगीज वर विनिंग इन द रेस इनिशियल टाइम्स। अब स्पेन कहां पहुंचा? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो यू नो व्हाट वाज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन?
एट दैट टाइम 16th सेंचुरी से स्पेन में मेन आइटम क्या आ रहा था 16th सेंचुरी में? गोल्ड. इन सम ईयर्स इन द ट्यून ऑफ इवन 95% इंका माया एचटेक नाम सुना होगा. एंड पुर्तगीज ने क्या करा, इन्होंने ईस्टर्न जो है ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप 1487 में क्या हुआ, एक भाई साहब थे इन्होंने दे डिस्कवर्ड अफ्रीका. देखा है आपने? इस तरह का कुछ है इसमें जो ये टिप है सदर्न टिप यहां तक आ गए ये बार्थोलोम्यू डायस. इसका नाम दिया गया वाई गुड होप, क्योंकि अब क्या होप है डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, नहीं ईस्ट इंडिया से आगे भी जाएंगे भाई, इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड थोड़ी है. थ्री कंपोनेंट्स वर गोल्ड ग्लोरी एंड ये कब हुआ 1487. अब ये तो ईस्ट में जा रहे थे, ईस्ट में जाने के लिए कोलंबस ने कहा हम वेस्ट से ईस्ट पहुंचेंगे, तुम इधर जा रहे हो मैं इधर जा रहा हूं पर मैं इधर से यहां आ जाऊंगा. तो वो किधर गया? और उस जब इंडिया मिला, जब अमेरिका मिला तो उसको क्या लगा वो टिप ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड आ गया. ठीक है, तो अब इधर कौन था? पुर्तुगीज. दे कैप्चर्ड द स्पाइस ट्रेड ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ दिस पॉइंट केप ऑफ गुड होप. सो इन 15th सेंचुरी पुर्तुगीज कैप्चर्ड द स्पाइस ट्रेड ऑफ ईस्ट एंड स्पेन कैप्चर्ड द अमेरिका एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बोथ वर स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग लार्ज प्रॉफिट्स एंड स्पेन स्पेशली गोल्ड. ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड लूजिंग दिस रेस टू ब्रिटेन एंड फ्रांस. वाई इज दैट? बिकॉज ब्रिटेन ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग फास्ट, एक इनक्लोजर मूवमेंट हुआ था उस वजह से वहां पे जो मर्चेंट्स हैं दे स्टार्टेड गेटिंग गेनिंग पावर एंड दे सी दे स्टार्टेड सीइंग दैट फ्यूचर इज इन ट्रेड सी ट्रेड. सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग शिप्स एंड इन एंड ऑफ 16th सेंचुरी अराउंड 1588 दे डिफीटेड द फ्लीट ऑफ स्पेन. ठीक है, अब जब ट्रेड करना है तो उस टाइम एक चीज चल रही थी मोनोपोलीज. देखो सोसाइटी में जो भी चीज उस समय चल रही होगी जो उस टाइम पे वेग होगी या वो होगी मतलब जो उस टाइम फैशन में होगी ऑलवेज वी ट्राई टू डू दोस थिंग्स. सो दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय मेंटेनिंग मोनोपोली. इफ ओनली यू पीपल आर अलाउड टू डू सर्टेन ट्रेड विच इज वेरी प्रॉफिटेबल देन ओनली यू विल प्रोस्पर एंड यू विल नॉट अलाउ एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस साइड. सो वॉट विल यू डू? यू विल ट्राई टू हैव मोनोपोली. कैसे? मोनोपोली कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पावर हो, जो आपको ऑथोराइज करे. सो इन दैट केस सम मर्चेंट्स केम टूगेदर बिकॉज एट दैट टाइम डच कंपनी वॉज वेरी पावरफुल, बिगेस्ट कंपनी एंड दे हैविंग ए लार्ज शिप फ्लीट ऑफ शिप्स, दे हैव लार्ज कैपिटल. इंडिविजुअल मर्चेंट्स वर नॉट एबल टू कम्पीट विद देम. सो सम ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन केम टूगेदर एंड फॉर्म ए कंपनी एंड अप्लाइड फॉर राइट्स टू ट्रेड विद ईस्ट ऑफ एंड दे वर आस्किंग दिस परमिशन फ्रॉम हुम? क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन. सो कंपनी फर्स्ट दे मेड ए कंपनी एंड देन दे आस्क फॉर परमिशन. द कंपनी द परमिशन वॉज ग्रांटेड टू कंपनी आफ्टर दे मेड क्वीन ए पार्टनर एंड दे पेड सम अमाउंट. सो नाउ दे वर गिवन 15-year चार्टर. चार्टर मीन्स परमिशन. आपने सुना होगा चार्टर एक्ट. चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट इज परमिशन टू डू ट्रेड. विच ट्रेड? मोनोपोली दे दी आपको. सो फर्स्ट चार्टर विच वॉज इशूड इन 1600 the company was given permission to do trade with East of Good Hope. कितने साल के लिए? 15 years. यहां तक समझ गए? अब 17th सेंचुरी में एक और कॉन्सेप्ट था विच वॉज वेरी पावरफुल, विच वॉज वेरी
और ऑल्सो विच वॉज वेरी मच इन द फैशन विच वॉज प्रैक्टिस बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विच वर इन्वॉल्व इन ट्रेड. क्या था वो कॉन्सेप्ट? मर्केंटलिज्म. ये क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैं इसकी बात बताऊंगा तो आपको लगेगा तो सुना सुना लग रहा है, मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, पर ये कॉन्सेप्ट वेरी मच वॉज इन फैशन एट दैट टाइम एंड इट वॉज ए पावरफुल थॉट. द पावर ऑफ आइडिया इज सच दैट व्हेन यू हैव अ सर्टेन आइडिया एंड इफ इट इज सो पावरफुल दैट इट स्टार्टेड टू ड्राइव योर इमेजिनेशन देन ऑल पीपल वॉन्ट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर आइडिया. कोई भी एक जैसे कि थॉट प्रोसेस है, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी है, दे आर आइडियाज, दे आर सम कॉन्सेप्ट्स. आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को कम्युनिज्म पसंद है, किसी को डेमोक्रेसी पसंद है, एंड वेन यू लव दैट आइडिया, वेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन दैट पर्टिकुलर आइडिया, यू वॉन्ट टू फॉलो दैट आइडिया. दैट इज दैट टाइम द पावरफुल आइडिया वॉज मर्केंटलिज्म एंड इट वॉज फॉलोड बाय द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. मर्केंटलिज्म क्या प्रोपोगेट करता है? 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600. सो इनिशियल ईयर्स ऑफ कंपनी दैट पर्टिकुलर सेंचुरी कंपनी वॉज फॉलोइंग एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटलिज्म. और क्या कहता है मर्केंटलिज्म? फर्स्ट, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड ट्रेड बॉडीज. देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन बिटवीन द मर्चेंट्स एंड ट्रेड बॉडी एंड स्टेट. मीन्स स्टेट शुड फॉलो ए पॉलिसी इन विच मर्चेंट्स इंटरेस्ट शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस एंड पॉलिसी शुड बी फॉर्म्ड इन सच ए वे दैट इट शुड इनेबल किसको? ट्रेड को. लग रहा है कुछ सुना सुना लग रहा है तो आज की बात हो रही है. सेकेंड, बैलेंस ऑफ ट्रेड शुड बी पॉजिटिव. दैट मर्केंटलिज्म क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए. अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ट्रेड के थ्रू तभी होगी जब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव करना है. सेकंड बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव करने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट शुड बी मोर, इंपोर्ट शुड बी लेस. इंपोर्ट जो बाहर से आ रहा है उसको क्या करना है? रोकना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. सो कैसे करोगे? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाओगे, गवर्नमेंट सपोर्ट दोगे, इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ ड्यूटी हाई लगाओगे. और अगर फिनिश प्रोडक्ट बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो रॉ मटेरियल शुड बी एबल टू कम इजीली. सो रॉ मटेरियल पे क्या करोगे? लो टैरिफ. फिनिश प्रोडक्ट पे हाई टैरिफ. लग रहा होगा अभी की बात हो रही है, ठीक है. इसके अलावा नई बात जो भी नहीं है, मर्केंटलिज्म ये भी बोलता है वी शुड हैव कॉलोनीज. कॉलोनीज मतलब दोज एरिया वेयर वी कुड सेल अवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. कैसे? थ्रू मोनोपोली. यानी कि देयर शुड बी नो कंपटीशन इन दैट पर्टिकुलर मार्केट फॉर अवर फिनिश प्रोडक्ट्स एंड दैट पर्टिकुलर एरिया वी शुड एबल टू टेक सम रॉ मटेरियल्स एंड इफ रिक्वायर्ड वॉर हैज टू बी फोट फॉर अक्वायरिंग सच कॉलोनीज इट शुड बी फोट. दैट इज वाई. अब इसका जवाब मिला वाई कंपनी वॉज हैविंग मिलिट्री पावर्स, बिकॉज कंपनी सिंस द बिगनिंग वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म. दैट इज वाई आपने पढ़ा होगा, अगर मैं बोलूंगा तो नाउ यू आर एबल टू ज्वाइन कनेक्ट दैट पुर्तगीज कंपनी, इंग्लिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी एंड अदर कंपनीज वर फाइटिंग ईच अदर ऑन सीज ऑल्सो एंड ऑन लैंड ऑल्सो. वाई? फॉर हैविंग बेटर ट्रेड डील, हैविंग कॉलोनीज. इंडिया, देखिए कॉलोनी जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो आप ये देखिए उस टाइम कॉलोनीज की लड़ाई कहाँ हो रही थी? अमेरिका में. इंडिया में नहीं हो रही थी. वाई? सोचा है? अफ्रीका में नहीं हो रही, इंडिया में नहीं हो रही थी, अफ्रीका में और इधर हो रही थी. इंडिया में क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज इंडिया एंड सच एरियाज ऑफ ईस्टर्न पार्ट वर हैविंग वेल एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी. यानी कि स्ट्रॉन्ग रूल है, पॉलिटी एस्टेब्लिश है, पर सेम थिंग्स कैन नॉट बी सेड अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. वहां की पॉलिटी क्या हमारे जैसी थी? क्या वहां पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे इतने? वहां की पॉलिटी और यहाँ थोड़ा अंतर था. तो देवर एबल टू कॉलोनाइज दैट थिंग अर्लियर एज कम. अब इंडियंस थे, इंडियंस तो लड़ ही नहीं सकते थे, पर देर वॉज नॉट मच डिफरेंस किसमें? टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, वार के वेपन्स थे. इन 17th सेंचुरी देर वॉज नॉट मच डिफरेंस वेपन्स विच वर यूज बाय द फॉरेनर्स, दीज कंपनीज एंड द इंडियन रूलर्स. दैट इज वाई इन 1688 और 87 व्हेन ब्रिटिशर्स ट्राइड टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स, दे वर बीटन वेरी बेडली एंड दे हैव टू
plead to the king Aurangzeb, to emperor Aurangzeb, that please forgive us and allow us to trade again. You know this about this incident? नहीं ना, आप एनसीईआरटी भी पढ़िएगा, उसमें भी, अच्छा तो उसमें भी आपको मिलेगा. अभी तक जो मैंने बताया वो आप लिंक कर पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं कहां पे था? हाँ, तो इस अगर फोर्ट लड़ाई भी फाइट करनी पड़े तो हम करेंगे. ये मर्केंटलिज्म का है. स्टेट का सपोर्ट कैसे लिया? चार्टर के थ्रू, और अगर कोई जरूरत पड़े तो पॉलिसीज के थ्रू. ये सब चल रहा है 17th सेंचुरी में. बट इन 17th सेंचुरी दीज कंपनीज वर नॉट वेरी पावरफुल मिलिट्री एज वेल एज फाइनेंशियली, दैट दे कैन डायरेक्टली चैलेंज द माइट ऑफ माइटी मुगल एम्पायर. दैट इज वाई दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन सच एरियाज वेयर द मुगल माइट वॉज नॉट प्रेजेंट, लाइक मद्रास. ठीक है, क्योंकि when they tried to have fort in Surat, permission was not granted. पर मद्रास में उन्होंने फोर्ट बनाने की परमिशन ले ली फ्रॉम लोकल नायक ऑफ विजयनगरा. विजयनगरा वो डिफीटेड बाय द दक्कनी स्टेट्स इन 1565 एंड इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स पावर एंड सून द एम्पायर फॉल अपार्ट एंड स्मॉल स्मॉल नायकास नायक जो थे, नायक क्या थे, छोटे छोटे मिलिट्री रूलर्स थे, वो अपनी अपनी उन्होंने अथॉरिटी अलग अलग एरिया पे इस्टेब्लिश कर ली. हम बहुत इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ हिस्ट्री का. सो ये मत सोचिएगा कि हम इधर उधर, पर क्योंकि मैं चाहता हूँ आप समझें, पहली क्लास है और हमने एक बीच का टॉपिक उठाया है. जब हम हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल स्टडी है शुरू से पढ़ेंगे तो फिर ये सब बातें कवर करते करते हम आज के टॉपिक पे पहुंचते हैं. पर क्योंकि आज का टॉपिक हमने सीधे से उठाया है तो मैं चाहता हूं एक आपको ब्लूप्रिंट दूं पहले क्या हो रहा है. तो 17th सेंचुरी में ऐसा नहीं कर पाए. 18th सेंचुरी में क्या हुआ? 18th सेंचुरी में कई चीजें हुई जिसमें से एक है, एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूरोप में फास्ट हो रहा था कंपेयर टू द एशियन कंट्रीज. बिकॉज ऑफ दैट सून जो टेक्निकल रेस है वो उसमें ईस्टर्न एम्पायर पीछे हो गए. नाउ ब्रिटिशर्स वर हैविंग फार बेटर वेपन्स देन द इंडियंस इन 18th सेंचुरी विद द पैसेज ऑफ टाइम. एट द सेम टाइम सेंट्रल अथॉरिटी मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. बिकॉज ऑफ दैट छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज स्टार्टेड इमर्जिंग. इट वॉज मोर मच इजियर फॉर ब्रिटिशर्स टू कम्पीट विद देम देन कम्पीट विद माइटी मुगल एम्पायर ऑफ द हेडेस. अब स्टार्टिंग में दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद व्हाट हैविंग कंसेशंस फ्रॉम द रूलर्स के हमें क्या मिल जाए. फर्स्ट रूल क्या था? स्टेट का सपोर्ट मिल जाए. तो वहां तो मिल रहा था पर जहां ऑपरेट करना है वहां भी मिलना है. सो दे साइंड वेरियस ट्रीटीज और परमिशन वर ग्रांटेड. क्या कि भाई हमें ट्रेड करने दिया जाए, हम पे कस्टम ड्यूटी हमसे ना ली जाए, इस तरह की बातें. सून कर्नाटिक वॉर जो हुई, क्यों हुई? बिकॉज किससे कंपीट कर रहे थे? देवर कंपीटिंग विद द फ्रेंच कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी उनको लगा, बिकॉज फ्रेंच कंपनी जो है दे आर स्टार्टेड इंटरफेयरिंग द अफेयर्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक. इफ दे इमर्ज विक्टोरियस इन बोथ द केसेस देन हु विल गेट मोर कंसेशंस एंड मोर फेवरेबल टर्म्स? फ्रेंच, नॉट द ब्रिटिश. एंड अगर ब्रिटिशर्स को इतनी फेवरेबल टर्म्स नहीं मिली और उनके राइवल को मिल गई, इधर वालों को अच्छी टर्म नहीं मिली इधर वालों को मिल गई, तो रेस में कौन आगे निकल जाएगा? तो आपको अच्छा लगेगा, कंपटीशन है ना भाई, सिलेक्शन. प्रॉफिट तो बराबर है, 100 रुपए ही प्रॉफिट हो सकता है. अगर 90 ले गए तो आपको 10 लेना पड़ेगा, आपको ज्यादा चाहिए तो इनका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा. सेम विद द कंपटीशन, ओनली 1000 सीट्स आर देयर. आपका होगा तब किसी और का नहीं होगा, किसी और का होगा तो आपका चांस कम होगा. लाइक दिस. बस इसका मतलब ये नहीं है पड़ोसी के नोट्स फाड़ दो. हमेशा ये याद रखो, जो आपके पास में बैठा है वो आपका कंपटीशन है, पर सिर्फ ये कंपटीशन नहीं है. कंपटीशन हमेशा अपने फ्रेंड से मत रखो, उन लोगों से रखो जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि वो आपसे हो सकता है ज्यादा पढ़ रहे हो. कभी भी जो आपका क्लोज सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उससे कंपटीशन मत रखो. हेल्दी कंपटीशन रखो,
पर उससे कभी भी उसको अपना कंपटीशन मत मानो कि ये मेरी सीट खराब कर देगा, नहीं आपकी सीट कोई और लेके जा रहा है, इनको कंपटीशन मत मांगो, इनके साथ तो कोऑपरेशन करके पढ़ाई करो। सो वेयर वर वी, अभी तक समझ आया क्या चल रहा है? इस वजह से दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंडियन अफेयर एंड टू देयर सरप्राइज दे केम टू नो दैट इट इज वेरी इजी टू डिफीट वन इंडियन पावर विद द लिमिटेड कैपेसिटी कैपेबिलिटी विच दीज कंपनीज हैव इन दोज डेज। अगर सोचिए, अभी तक तो आप सीधा लड़ नहीं रहे, यू ट्राइड वंस इन 17th सेंचुरी और आपको बहुत ज्यादा मार पड़ी, तो आपने सोचा कि भाई करने क्या आए हो, कॉमर्स ज्यादा करोगे तो भगा दिए जाओगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, और हमें तो क्या कमाना है, पैसा। सो जिस गांव में रहना है, हाँ जी करना है, जिस गांव में रहना है वहां जो पावरफुल है उसकी हाँ जी करना है। तो मुगल्स पावरफुल थे, तो जैसा आप बोलोगे जहां पना वैसा हम करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हम यहां तक आ गए, तो अब इस वजह से ये सब सारी चीजें चालू हुई, और क्या क्या निकला, हम पहली पॉइंट पे आ गए कि कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट कि कंपनी का रूल जब चालू हुआ तो क्या स्टेज चल रही है। इन 1772 क्या हो गया, ड्यूअल रूल, ड्यूअल गवर्नमेंट अबोलिश हो गई। अभी तक सब समझ आया हम यहां तक कैसे पहुंचे? सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स क्या हुआ, कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन इंडियन अफेयर्स, कंपनी हैव मिलिट्री पावर, कंपनी वाइज ऑपरेटिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस, एंड सून कंपनी स्टार्टेड एज ए पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड स्टार्टेड देयर रूल फ्रॉम बंगाल। अब 1772 में, इसके पहले 1767 में एक बात हुई, 1765 तक हम पहुंच गए थे। इन 1765 व्हेन कंपनी स्टार्टेड इट्स रूल, इट वॉज एस्टिमेटेड इन 1767, इट वॉज एस्टिमेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कंपनीज रेवेन्यू, रेवेन्यू विच कंपनी वॉज गेटिंग कहां से, फ्रॉम बंगाल, अभी बंगाल की ना, इट इज इन द ट्यून ऑफ 4 million pounds। जब उन्होंने कहा कंपनी इज गेटिंग 4 million pounds एनुअली फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल, सो दे शुड पे 10% ऑफ दिस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, कितना बना, 10%। पर इसी टाइम पे क्या चालू हुआ, मैसूर वॉर और बंगाल फेमिन। जब फेमिन होगा तो रेवेन्यू अफेक्ट होगा, जब लड़ाई होगी तो रेवेन्यू अफेक्ट होगा, बिकॉज रेवेन्यू विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स वॉर। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इन 1772-73 एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन आ गई कि 4 lakh pounds तो हम 2-3 साल से दे ही नहीं रहे, साथ में कंपनी हैड टू अप्लाई फॉर लोन ऑफ 1 million pounds। आपके नोट्स में एक फर्स्ट पेज पर जो बैकग्राउंड है उसके सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखा है लोन ऑफ 1 lakh pounds, इसको चेंज कर लीजिए 1 million pounds, 1 million मतलब 10 lakh, दिख गया आपको, हाईलाइट हो रखा है, इसको 1 million pounds कर लीजिए। मोनोपोली का मतलब है जहां पर आपके राइट्स, आप मतलब एक ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओनली यू आर हैविंग फेवरेबल टर्म्स, अदर्स आर नॉट, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। अगर आपको पता लग, किसी एक व्यक्ति को यूपीएससी का पेपर पता लग जाए और बाकियों को ना लगे, तो किसको फेवरेबल ग्राउंड किसको मिल गया, उसी को मिल गया, तो इट्स काइंड ऑफ मोनोपोली। बहुत गंदा एग्जाम्पल है पर यह ईजी एग्जाम्पल है आपको समझाने, पर आप समझ गए होंगे ना मोनोपोली का मतलब क्या है, ठीक है। अब तो ये चेंज कर लिया ना, अब देखो एस्टीमेट क्या किया, 4 million pounds का रेवेन्यू है, हमें 10% दो 4 lakh pounds, फिर और कंपनी के जो इंप्लॉइज हैं, जब वो ब्रिटेन जा रहे थे, घर उनका कहाँ है, ब्रिटेन में, दे वर कमिंग लाइक वेरी रिच पीपल, एंड
जब आपका पड़ोसी बाहर जाके आपसे रिच होकर आ जाएगा और आप पहले उससे रिच थे, वो आपसे रिच हो गया तो क्या होगा? जेलेसी। ब्रिटेन में उस टाइम हर जगह अरिस्टोक्रेसी अपने टाइम पे रही है, और अरिस्टोक्रेसी को कभी भी ये नहीं पसंद कि कोई लो का, जो कंपेरेटिवली मेरे से लो स्टेटेड का है, उसका इन्फ्लुएंस और क्लाउड मेरे से ज्यादा हो। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो लॉर्ड्स थे उस टाइम के, दे वर नॉट लाइकिंग दैट सम पीपल फ्रॉम द लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी दे आर ट्राइंग टू, आपका पैसा आ गया तो नाउ यू कैन क्लेम, यू कैन एंटर द हाई सोसाइटीज, दे आर ट्राइंग टू एंटर दोज क्लासेस ऑफ सोसाइटी विच वर अर्लियर ओनली रिजर्व फॉर सम ऑफ द लॉर्ड्स और पीपल फ्रॉम नोबिलिटी। एक तो ये रीजन हो रहा था। दूसरा, वेन यू आर कमिंग विद योर पॉकेट्स फिल्ड विद गोल्ड, आप इतना पैसा लेके आ रहे हो तो व्हाई कंपनीज इन लॉस? व्हेन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, मान लीजिए आप अपने घर जाते हो और पता लगता है कि भाई आप तो मर्सिडीज में घूमने लग गए, आपने तो भाई 2-3 बंगले खरीद लिए, और गवर्नमेंट जो बजट दे रही है उसमें कह रही है कि हमें क्या हो रहा है, लॉस, तो लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, एंड करप्शन के एलिगेशन लगने लगे किस पे, कंपनी एंड कंपनी इंप्लॉइज पर। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि भाई करप्शन कर रहे हो तुम, और नुकसान किसका हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो वी विल एबल टू गेट 4 लाख पाउंड, ऑल्सो वी हैव गिवन यू मोनोपोली, वी हैव गिवन यू चार्टर टू ट्रेड विद द ईस्ट इन द होप दैट इट विल बिकम प्रॉफिटेबल फॉर अस, एंड अदर्स आर नॉट अलाउड टू डू सच ट्रेड, और उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, लॉस में हो। तो ये सब चीजें चल रही थी, ये भी माना गया बिकॉज करप्शन इज ऑन द राइज इन द ईस्टर्न एरियाज, दोज करप्ट प्रैक्टिसेस कुड एंटर द ब्रिटिश पॉलिटी। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो चुका था 1688 में, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे रूल ऑफ लॉ बिकेम सुप्रीम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन। सो उनको लगता था वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड वी हैव हायर मॉरल वैल्यूज देन द अदर कंट्री। सो सच प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होने देनी है जिससे कि मॉरलिटी कम हो सोसाइटी की। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड द 1 million pound लोन विच वॉज अप्लाइड, क्या मौका मिल गया, नाउ द पार्लियामेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी एंड डिक्टेट सम टर्म्स। सो और एट द सेम टाइम देर आर अदर पीपल, अदर मर्चेंट्स, अदर बॉडीज हु आर ट्राइंग टू एंटर द लुक्रेटिव बिजनेस ऑफ ईस्टर्न ग्लोब। सो देवर ऑल्सो हैविंग सम मेंबर्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड देवर ऑल्सो प्रेसिंग दैट दिस मोनोपोली शुड बी अबोलिश्ड एंड वी लाइक ऑल अदर पीपल शुड बी गिवन परमिशन टू ट्रेड विद ईस्ट ऑफ केपे ऑफ गुड होप। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिनेरियो क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वाई द नेम रेगुलेटिंग, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, तो क्या रेगुलेट किया जा रहा है, कंपनी को। मेन कंसर्न क्या है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होने के कारण कंपनी किसमें है, लॉस में है। एट द सेम टाइम नाउ कंपनी हैज इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर जिसका क्या है, टेरिटरी पे कंट्रोल है। सो कहीं और टेरिटरी पे कंट्रोल होने की तो शुरू में परमिशन नहीं थी, कॉमर्स था। सो दे डोंट वॉन्ट टू इमर्ज, एक सिचुएशन ऐसी नहीं चाहते थे जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर से चला जाए। एट द सेम टाइम गवर्नर जनरल भी, जो गवर्नर थे वो भी नहीं चाहते थे, दे वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ कोऑपरेशन विद द क्राउन बिकॉज क्राउन वॉज द अल्टीमेट पावर जिसने उनको क्या दिया था, परमिशन टू ट्रेड। सो इट वॉज ए बार्गेन बिटवीन द टू साइड्स एंड द रिजल्ट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वॉज थॉट, अब देखो तीन पार्टीज हैं यहां पर, पार्लियामेंट और कंपनी, ये कहां पर है, ये ब्रिटेन में है वेस्टर्न साइड, और इंडिया में कौन है, इंप्लॉइज,
और थ्री मेन प्रेसिडेंसीज कौन सी हैं? बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बंगाल नाम है, बंगाल, बॉम्बे। आपको अगर किसी को कंट्रोल करना है सो इट इज इजी टू कंट्रोल वन पर्सन और इजी टू कंट्रोल मेनी पीपल। सो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जहां इस अलग अलग लोगों को सिर्फ एक तरीके से कंट्रोल कर पाए। सो देर इज नीड टू बी सम हैविंग सम सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया एंड कंपनी शुड ऑल्सो बी लुक्ड आफ्टर इन विच वे, ताकि कंपनी क्या कर रही है शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय पार्लियामेंट। सो पहला रूल क्या बना, ऑल द करस्पोंडेंस, ऑल द अकाउंट्स ऑफ कंपनी शुड बी पुट इनटू ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट सो दैट पार्लियामेंट कैन सी व्हाट इज कंपनी इज डूइंग, ठीक है। एट द सेम टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बनाया दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस टाइम क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी दी गई ऑन द बॉम्बे और मद्रास ऑन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। मतलब लड़ाई करोगे या किसी से पीस ट्रीटी करोगे, आपको किससे बात करनी है, और यू हैव टू पुट अकाउंट्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर कहां भेजेगा, कंपनी, और कंपनी के जितने भी अकाउंट हैं वो यहां जाएंगे। सेकंड, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अकेला काम नहीं करेगा, एक काउंसिल बनेगी, गवर्नर जनरल उसका, और सब मिला के क्या हो गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इज अ सिंगल एंटिटी, काउंसिल मीन इस काउंसिल में चार लोग होंगे, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब गवर्नर, फोर काउंसिल मेंबर प्लस गवर्नर जनरल। सो वी हैव काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इट मींस फोर मेंबर प्लस गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल को जो भी डिसीजन लेना है विद ए मेजोरिटी वोट लेना है, और मेजोरिटी वोट मतलब फोर मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की काउंसिल के चार मेंबर एंड गवर्नर जनरल, दे विल वोट ऑन एवरी मैटर एंड मेजोरिटी का जो भी ओपिनियन होगा दैट विल बी एप्लीकेबल। हैव आई लॉस्ट यू, कुछ समझ नहीं आया शायद आपको। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे कौन सी फॉर्म है, पार्लियामेंट, इसमें चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। अगर गवर्नर जनरल बंगाल को अकेले सारी अथॉरिटी दी जाती तो ऐसा सोचा गया ही बिकेम टू पावरफुल। सो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए क्या होना चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए। इसके पहले अलग अलग, अब देखो जब आप कहीं पर रहोगे तो बाउंड टू हैपन क्या, लीगल मैटर्स, सम डिफरेंसेस। सो इस इन प्रेसिडेंसीज में पहले मेयर्स के कोर्ट होते थे, तो इन सब सिचुएशन को ये सही से डील नहीं हो पा रही थी। मेयर्स कोर्ट होते थे, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि जनरली कोर्स इतना डिटेल में कोई मतलब जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसलिए उन सब मैटर्स को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश किया गया, क्राउन वॉज गिवन ऑथोरिटी पावर टू एस्टेब्लिश ए सुप्रीम कोर्ट बाय चार्टर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन दी गई किसको, क्राउन को, टू क्रिएट थ्रू डिफरेंट चार्टर, और वो चार्टर आया 1774 में। इसलिए 1775 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज वॉज हेड, कौन थे, एलिजा इम्पे। So, अब हम इसको लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स।
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लिख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड कंट्रोल कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ठीक है, अब ये तो इंट्रो हो गया. द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर वन, द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ए काउंसिल वॉज क्रिएटेड हैविंग फोर मेंबर्स. ए काउंसिल वॉज क्रिएटेड हैविंग फोर मेंबर्स. ऑल द डिसीजंस, ऑल द डिसीजंस हैज टू बी टेकन बाय मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ वोट्स. गवर्नर जनरल वॉज ऑल्सो गिवन कास्टिंग वोट. सो गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विद अ काउंसिल, काउंसिल हैज फोर मेंबर्स, ऑल द डिसीजन वॉज टू बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स एंड गवर्नर जनरल वॉज गिवन कास्टिंग वोट. इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, दोनों देखो, कास्टिंग वोट का मतलब अलग होता है. देखिए, मान लीजिए ये तो है गवर्नर जनरल और ये चार कौन है मेंबर्स हैं, कितने लोग हो गए? पांच. अब आज मैटर गया कि क्लास 10 बजे से होनी चाहिए क्या 11 बजे से, तो इनमें सब लोग वोट करेंगे, दो ही ऑप्शन है, तो क्या इसमें इक्वलिटी ऑफ वोट्स होगा? या तो तीन होगा या दो होगा, या मतलब समझ गए, कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जहां पे इक्वलिटी ऑफ वोट्स होगा. और गवर्नर जनरल फर्स्ट इंस्टेंट में वोट कर सकता है, गवर्नर जनरल ने बोला 10 बजे से होनी चाहिए, इन सब ने कहा 11 बजे से होनी चाहिए, किसकी बात मानी जाएगी? मेजोरिटी ऑफ वोट्स. मेजोरिटी ऑफ वोट्स अगेंस्ट किसके है? अगेंस्ट किसके? गवर्नर जनरल. तो गवर्नर जनरल की बात नहीं मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो भी मेजोरिटी से डिसाइड करे. इस सिचुएशन में कास्टिंग ऑफ वोट नहीं है. मान लीजिए गवर्नर जनरल ने 10 बजे बोला, इन्होंने भी 10 बजे बोला, इन्होंने तीनों ने 11 बजे बोला, तो भी बात नहीं मानी गई. अब एक दिन ये बीमार पड़ गए या इनकी डेथ हो गई, तो मेंबर तो चार थे पर सीट खाली रह सकती है ना, पार्लियामेंट में क्या हमेशा सीट भरी रहती है, खाली रह सकती है. अब क्या हुआ? दो लोग इधर, दो लोग इधर. इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स पावर आती है कास्टिंग वोट की. इस सिचुएशन में जहां पे क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गई, अब कास्टिंग वोट कौन डालेगा एक और वोट? तो अब किसकी बात मानी जाएगी? जो गवर्नर ने. पार्लियामेंट में कास्टिंग वोट की पावर है, पॉलिटी नहीं पड़, चलो चालू करो, यही पावर हमारे किसके पास है? अरे गवर्नर जनरल है क्या हमारे पास अभी? अभी स्पीकर ने ना, चलो ये सब तो
कहां पे थे हम? हाँ ये लिखा क्या, एक बार रिपीट करिएगा क्या लिखा? यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब समझ गए पांचों लोग? गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू सुपरिंटेंड एंड कंट्रोल द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू सुपरिंटेंड एंड कंट्रोल द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। हो गया लिखा, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू सुपरिंटेंड एंड कंट्रोल द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे इन द मैटर्स ऑफ। जीवन में काम रहना बहुत जरूरी है, गुस्सा आना अच्छी बात है, पर देर इज नथिंग विच कैन नॉट बी सोल्व। तो अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो भी गया है तो पहली बात में आप लड़ाई करोगे कि पहले उसको देखना चाहोगे कि कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ? चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा करना भी अच्छी बात है। गुस्सा करने से क्या होता है, मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और गुस्सा अंदर रह जाता है तो हम कहां तक आ गए? हाँ ये बात हो गई। उसके बाद अब जब आपको सुपर लिख लीजिए, चलिए अगला पॉइंट, द गवर्नर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हैज टू सेंड रेगुलर रिपोर्ट्स, गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर टू सेंड रेगुलर रिपोर्ट्स टू द गवर्नर जनरल। ऑफ द रेवेन्यू एंड अदर मैटर्स, अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स, द गवर्नर्स ऑफ बंगाल गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास has to send, have to send regular reports of revenue and other important matters. हो गया? If online students were not given the material, तो आपको PDF form में available करा दिया जाएगा, please contact the front desk. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स आज ही ज्वाइन करते हैं और कोई चीज तीन क्लास पहले दे दी गई है जैसे कि सिलेबस, तो वो आज के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा? सो दोज ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड टुडे हैव सम पेशेंस एंड वॉट एवर इज नीड टू बी गिवन विल बी प्रोवाइडेड, दे हैव टू जस्ट कॉन्टेक्ट द राइट पर्सन बिकॉज इट इज ए ओपन सेशन, एनीबडी कैन ज्वाइन एनी टाइम, सो इट इज नॉट पॉसिबल to provide all the materials to anyone who is joining at any particular or any time. So, अगर आप time से join करेंगे तो सब मिलेगा, और बीच में join करेंगे so please have wait and class के बाद आप contact कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। अगला point, act also provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta. Calcutta. Act also provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta. ठीक है, यह हो गया।
एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज एलिजा इम्पे. द सुप्रीम कोर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1775. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. एलिजा इम्पे लिख लिया क्या? रिपीट करूं? मुस्कान, आपको क्लास एंड होने के पहले हम डिटेल दे देंगे हु यू हैव टू कॉन्टेक्ट, है ना? प्लीज बियर विद मी. हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ. आनंदी आनंद है, आनंदी है. मैं रिपीट कर रहा हूँ. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड उसके बाद क्या बोला था? इट वॉज केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1775. इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन ईयर 1775. एंड वॉट वॉज द नेम? कहीं जगह आपको ऐसा मिलेगा, कई जगह आपको ऐसा मिलेगा. ठीक है, ये हो गया. एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट द के ये सब तो कहां हो रहा है? इंडिया में. ब्रिटेन में क्या हो रहा है? जो मैंने बताया था, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज टू सबमिट ऑल द कम्युनिकेशंस एंड रेवेन्यू डिटेल्स all the communications and revenue details. मैं रिपीट करता हूं. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज टू सबमिट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड विद रेवेन्यू मैटर्स एंड रेवेन्यू डिटेल्स एज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया. कहां से आएगी? इंडिया से आएगी. एज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, ये हो गया पूरा 1773 का मेजर थिंग. देखिए, इट इज नॉट ए चार्टर एक्ट. ये क्या है? चार्टर एक्ट में क्या होता है? हाँ, अभी हम देखेंगे चार्टर एक्ट में. उसका नाम चार्टर एक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें परमिशन, उसमें चार्टर है. क्या है? टाइम पीरियड है टू कंटिन्यू ऑफ, कि भाई आप कंपनी कंटिन्यू कर सकती है वॉट एवर द परमिशन वॉज गिवन. पर सिर्फ इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, पर मेन उस चीज को चार्टर एक्ट कहेंगे जिसमें कंपनी का परमिशन, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है. द राइट वर्ड इज रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ कंपनी. जिस एक्ट में होगा उसको क्या कहेंगे? चार्टर एक्ट. ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट. इसमें कंपनी के चार्टर के रिन्यूअल की बात नहीं थी. इसमें क्या बात थी? हाउ टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स, हाउ टू कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स फ्रॉम ब्रिटेन बाय द पार्लियामेंट, और हाउ द कंपनी शुड बी कंट्रोल्ड इन इंडिया बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. यहां तक समझ में आया? देखिए, अब इसमें है ना कई चीजें दिक्कत थी इस एक्ट में. द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड. आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, दिस इज जस्ट ए lecture of history. There is a difference. What is the difference? First lecture we will start from the from a chronological point, है ना? Starting से. ये हमने बीच में एक lecture उठा रहा है. That is why class के शुरू में मुझे कई चीजें ऐसी बतानी पड़ी जो कि हम general, अगर ये class होते तो मैं सीधा चालू करता from the regulating act of 1773. So what I was saying, the drawbacks of regulating act of 1773. आप बता सकते हैं अब तो. आपने ये देखा, क्या drawbacks लग रहा है आपको? एक तो मैंने बता दिया, और क्या लग रहा है? गवर्नर जनरल के पास तो पावर ही नहीं है, तो हमने देखा ना. पावर किसके पास है? और काउंसिल के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी बात मनाने के लिए चार में से कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? एक तो खुद है ही ना यार, दो का चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वो ड्रॉबैक्स में द हाँ ड्रॉबैक है ना. देखिए, आप गवर्नर जनरल हैं, सारा काम किसके नाम पे हो रहा है?
पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या ऐसी सिचुएशन चाहेंगे जहां प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ना ले पाए? देखिए डिसीजन हमेशा एक आदमी ले तो अच्छा है, पर बाकी लोगों से क्या मिलना चाहिए, अच्छी एडवाइस? नहीं ये बुरी बात क्या है, वो तो चाहते ही थे ना ऐसा हो, ये ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक होता है जब आपने जिस एस्टेब्लिशमेंट कोई एक्ट करा विद एक पर्टिकुलर पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट वन सेंटर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट पर्टिकुलर सेंटर शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स देन विल बी सॉरी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, ड्रॉबैक में अभी लिखवाऊंगा है ना, अभी आप में ड्रॉबैक हमने रिपीट करें, अभी लिखवाए नहीं है। व्हाट आई वाज सेइंग, नहीं नहीं उस पे अभी बिल्कुल, हाँ कि इंटेंडेड बेनिफिट जो आपने सोच के कोई एक्ट करा है, जब वो आप नहीं अचीव कर पाओगे देन ओनली इट विल बी ड्रॉबैक। आपने जो सोचा वो अचीव नहीं कर पाए तो आप फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ना, तो सोचा क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, सो इट इज नॉट ए ड्रॉबैक, वो तो सोचा ही था, द पर्पस वाज दैट। सो और ड्रॉबैक सुप्रीम कोर्ट क्यों लगाए थे, कि ताकि इजी हो जाए जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है। पर तो पहला जो ड्रॉबैक है और सेकंड वो था क्या काउंसिल वाला, तो पहला ड्रॉबैक है देयर वाज नॉट क्लैरिटी अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच लेड टू frequent conflicts between second point of regulating act of 1773. I will repeat, just give me a moment. नहीं शुरू से कहां से बोला था कि jurisdiction of supreme court was not very clear and it led to conflict between supreme court and governor general in council. फ्रिक्वेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन, मैम कहां छूटा आपका, आपका कुछ छूट गया, कहां से छूटा? हाँ वही बात है, अच्छा देयर वाज, अच्छा अच्छा अभी ठीक है, मैं रिपीट करूं, क्लैरिटी अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच लेड टू frequent conflicts between Supreme Court and Governor General in Council. First drawback. Second drawback. First point में वापस repeat करता, किसका first point? अभी वाला first point ना, there was lack of clarity about the jurisdiction of Supreme Court which led to frequent conflict between Supreme Court and in Council, Governor General in Council. गवर्नर जनरल हु वॉज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इम्पोर्टेंट मैटर वॉज इन बंगाल एंड मद्रास एंड बॉम्बे जनरल हेड द सेंडर इन्फॉर्मेशन अदर थिंग्स। देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज ओनली इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, ही वॉज नॉट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बिकॉज मद्रास और बॉम्बे में अपने गवर्नर हैं, दे विल टेक केयर ऑफ रेवेन्यूज ऑफ दोज एरियाज and they will take care of expenditure of those areas, they are independent in that sense, par unko jo bhi expenditure revenue aa raha hai ya jo bhi koi bhi baat ho rahi hai, kya aur baat ho sakti hai, acche se commerce nahi ho pa raha hai ya koi native ruler se ladai ho gayi ya koi pareshan kar raha hai, all these kind of informations has to be sent to governor general of bengal because a consolidated report fir wo kahan bhejega, britain, par have I said that revenues of बॉम्बे एंड मद्रास इज अंडर द रेवेन्यूज ऑफ गवर्नर जनरल, नहीं गवर्नर जनरल को सिर्फ क्या पावर दी गई है, सुपरवाइजरी पावर, सुपरिंटेंडेंट इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, रेवेन्यू का मैंने नाम नहीं लिया है तो जो हमने नहीं कहा उसको नहीं समझेंगे, ये होगा पर तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। सेकेंड ड्रॉबैक द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल, द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, the position of governor general of bengal was very weak,
the position of Governor General of Bengal was very weak and he has to depend on his council members. Which many times led to stand still, यानी कि काम ही नहीं हो पा रहा है, stand still, या फिर लिख सकते हैं many times led to स्टॉपेज ऑफ वर्क लिख सकते हैं, या मेनी टाइम लेड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स को इतना गुस्सा आ गया, उसकी बात नहीं मान रहे थे, उसने गोली चला दी एक काउंसिल मेंबर पे। हाँ रियली मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, अब आप सोचो जब इतना गुस्सा आ गया एक गवर्नर जनरल को कि मेरी बात नहीं मान रहे, उसने गोली चला दी एक पे, तो बड़ी बात हुई होगी। यहां तक लिखा हमने, तीसरा ड्रॉबैक, द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास वर वीक, द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर वीक, ठीक है, द क्वेश्चन, अरे कलकत्ता एंड नहीं, सिर्फ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट क्या मैंने बोला, कलकत्ता एंड, सिर्फ कलकत्ता, और जो सुदीक्षा जी कह रही हैं, गवर्नर जनरल वाज़ ए पपेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ही कुड टेक डिसीजन ऑन हिज ओन, क्या लगता है पपेट का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा लग रहा है आपको कहीं भी ऐसा हुआ कुछ, बस पपेट बहुत नेगेटिव टर्म है, देखिए उस टाइम पे टेलीफोन था, इंटरनेट था, तार था, तो कोई भी मैसेज आएगा तो कैसे आएगा, शिप से आएगा तो आने में टाइम लगेगा, तो जो पर्सन ऑन ग्राउंड है उसके पास तो पावर है ना, पपेट कैसे, जनरल डायरेक्शन कैन बी गिवन व्हाट टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन, बट द पर्सन हु इज ऑन द ग्राउंड ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस, सो ही वाज नॉट ए पपेट बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट ऑल पावरफुल, ही हैज टू गवर्न एज पर द मैंडेट गिवन टू हिम, ठीक है। अब एक शॉर्ट नोट है कि टू एड्रेस द फर्स्ट ड्रॉबैक, सुप्रीम कोर्ट वाला, टू एड्रेस द ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड, दिस वॉज करेक्टेड बाय इन 1781, दिस वॉज करेक्टेड इन 1781 बाय पासिंग एन अमेंडमेंट अमेंडिंग एक्ट 81, अब जास्मिन कह रही है प्लीज रिपीट फर्स्ट पॉइंट, जास्मिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ड्रॉबैक्स और फर्स्ट पॉइंट ऑफ द, अच्छा उनको तो हो गया, उसके ऊपर कोई कह रहे थे रिपीट द सेकंड पॉइंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्या बोला था हमने, सेकंड पॉइंट क्या था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, नहीं नहीं ड्रॉबैक्स नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का सेकंड पॉइंट, ए काउंसिल ऑफ क्रिएटेड हैविंग फोर मेंबर्स एंड ऑल डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय मेजोरिटी वोट, मेजोरिटी वोट कहां पे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी फोर काउंसिल मेंबर्स प्लस ड्रॉबैक का फर्स्ट पॉइंट, आई थिंक आई हैव रिपीटेड दैट मेनी टाइम्स बट आई विल रिपीट वंस अगेन, देयर वाज लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन, आई विल रिपीट ऑल द वर्ड्स, देयर आर लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड विच लेड टू फ्रिक्वेंट क्लैशेस, क्लैशेस ही है, कॉन्फ्लिक्ट्स,
conflicts between Supreme Court and Governor General in council. This is the first point. And the second point का drawback क्या था? Position of Governor General was very weak. I think यही है. बस यही था. I think I have he has to be dependent on his council members, which many times led to stand still or many times led to stoppage of work. No sir, yes sir, okay, chalo, now all are satisfied and we can continue to next act, Pitt's India Act of 1784. 81 नहीं मैडम, 84, 1781 में तो amending act हो गया ना, हमने अभी बता दिया, जिससे jurisdiction of Supreme Court was, नहीं corrected नहीं, jurisdiction was defined, drawback was corrected, देखो difference है ना, correct क्या करोगे, drawback करोगे, और act से क्या करा, amending act से define करा, क्या, jurisdiction of Supreme Court, ताकि conflict ना हो, किस किस के बीच, Governor General in Council and Supreme Court. अब हम कहां पर आ गए, पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स किसका नाम है, प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम है पिट्स इंडिया, पिट्स उनका नाम है, उन्होंने उनके गवर्नमेंट लाई तो नाम हो गया पिट्स और इंडिया एक्ट, क्योंकि इंडिया के बारे में 1784. अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, देखो अभी तक मैंने बताया कंपनी कहां है, ब्रिटेन में, तो कंपनी का मेन बॉडी क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हर काम पैसे से हो रहा है. पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्यों आया, क्योंकि कितना पैसा मांगा आपने, कंपनी ने कितना पैसा लोन मांगा, 1 मिलियन पाउंड. यहां पे फिर कंपनी ने एक साल पहले बोला हमें 1 मिलियन पाउंड. अब पैसा मांगा है तो कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये माना गया बिकॉज कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिक्स एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, दैट इज व्हाई इट इज नेग्लेक्टिंग द कमर्शियल इंटरेस्ट. एंड क्योंकि कंपनी कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डर्स के तरफ, व्हेन वाज द अमेंडिंग एक्ट, कब था, 1781. जो मैं लिखवा रहा हूं उसके नोट्स भी मिलेंगे क्या, तो भाई मैं लिखवा रहा हूं तो वही नोट्स हो गए, और अगर आपका मतलब है कि मेटेरियल मिलेगा क्या, तो वो मिलेगा, जो क्लास वाले हैं उनको हाथ में मिल गया, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. चलें आगे, हाँ आपके पास तो है सर, पता है कहाँ पे था मैं, मेरा अटेंशन स्पेन कम है, वेयर वॉज आई, 1784. तो भाई आप गलत काम कर रहे हैं, आपका मेन, आपको क्या करना था, कॉमर्स करना आपकी प्रायोरिटी थी, कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए ही आपने क्या लिया है, स्टेट का कंट्रोल लिया है, यानी कि आपने जो भी लड़ाइयां लड़ी हैं, जो भी बैटल्स लड़ी हैं, और जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया आपने कंट्रोल करे हैं, वो इसलिए करे हैं क्योंकि आपकी कंपनी क्या हो, प्रॉफिटेबल हो. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंपनी इज टू गेट टू अचीव प्रॉफिट्स फॉर योर शेयर होल्डर्स. सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, कॉमर्स है, और आप क्या कर रहे हो, राजा जी बन रहे हो, यही काम में लगे हो, लड़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक क्या कर रहे थे, कॉमर्स का भी देख रहे थे, रेवेन्यू भी देख रहे थे, पॉलिटिकल थिंग्स, मिलिट्री, सब यही देख रहे थे. ये बोले ऐसा नहीं चलेगा, वी विल मेक वन मोर बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. इसमें कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे, 2 क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग होंगे, एक्सचेकर का जो हेड है वो होंगे, तो वो डिटेल में नहीं जाना. एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, थांबा, ठीक है थांबा, पहले मैं बोलूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप पूछ,
ठीक है। तो पॉलिटिकल फंक्शन तो बोले भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, पॉलिटिकल फंक्शन हम देखेंगे, आप क्या करो कॉमर्स करो, बिकॉज यू आर जस्ट मर्चेंट्स। आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं तो मैं बात करके भी बताता हूं आपको कहां मिलेगा ऑनलाइन पीडीएफ, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखें, कॉमर्स देखें, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, पॉलिटिकल। और ये दोनों चीजें वहां पे कौन देख रहा है, इंडिया में गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट क्यों देख रहा है पॉलिटिकल और कमर्शियल मैटर्स, एनर्जी एंट्रोपी अच्छी बात है पर कंट्रोल, मजाक कर रहा है बोल लो ठीक है। तो देखिए यहां पे तो चेंज कर दिया, कहां पे, ब्रिटेन में, पर इंडिया में ये चीजें कौन देख रहा है, तो गवर्नर जनरल नाउ हैव टू बॉसेस। जब आपके दो बॉसेस होते हैं तो आप एक को क्या बोल सकते हो कि उसने ऐसा कहा है, दूसरे को बोल सकते हो इसने ऐसा कहा है, और आप ज्यादा पावर ले सकते हो। तो यही होगा, ठीक है, दो बॉसेस क्रिएट होगा। साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ना तो तुम अब लड़ाई करोगे ना तुम अब पीस ट्रीटी करोगे। क्यों, वॉर तो आप समझ गए, पीस ट्रीटी का क्या मतलब है, पीस ट्रीटी का मतलब है उस टाइम, हाँ गवर्नर जनरल तो इंडिया में है ना दोस्त, तो वो तो क्या है, वो तो जनरल एम्प्लॉई है कंपनी का, तो कंपनी का एम्प्लॉई तो हमेशा कंपनी से थ्योरिटिकली नीचे ही रहता है, पर पावर किसके पास होती है, जो कम ग्राउंड पर है। और इनको तो दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है वहां पे जनरल, हाँ बताइए, हाँ हाँ ब्रिटेन ही तो चल रहा है, इंडिया में तो सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि भाई एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा जो पॉलिटिकल अफेयर देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे, और फर्स्ट टाइम क्या हुआ, द टेरिटोरियल पोजेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी वर टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो अगर सवाल कभी आए व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कंपनी पोजेशंस वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस, कब कहा गया, इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद क्या कहा गया, कंपनी और गवर्नर जनरल हैज नॉट टू एंटर इनटू एनी वॉर और पीस ट्रीटी विदाउट द सेंक्शन। अब पीस ट्रीटी से क्या मतलब है, पीस ट्रीटी से मतलब है उस टाइम कंपनी नेटिव रूलर्स के साथ कई तरह की ट्रीटीज कर रही थी के आप हमारे साथ ट्रीटी कर लो, हमें ये राइट्स दे दो या लैंड दे दो, और इफ एनीबॉडी विल अटैक यू वी विल सपोर्ट यू, वी विल फाइट ए वॉर ऑन योर बिहाफ, गिव अस सम मनी और सम टेरिटरी। तो भाई इस तरह का काम करोगे तो भी तो लड़ाई करनी पड़ेगी, तो पीस ट्रीटी भी मत करो, शांति से रहो और पैसा कमाओ। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। एक और काम हुआ, एक सीक्रेट कमिटी बनी। देखिए ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो इतनी डिटेल में देख रहे हैं, आप इसमें थोड़ा अंतर समझिए, जो मैडम ने सवाल करा था कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या अंतर है। देखिए मेंस में जब सवाल आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आएंगे, ए स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड जो आपने याद नहीं कर रखा हो मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको लगा हो कि ये तो मेन पॉइंट नहीं है और मैं लिख भी नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, बट दोज पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। सो द पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू मेक इज कि जो सीक्रेट कमिटी बनी, ये हो सकता है आप मेंस में ना लिखे क्वेश्चन की नेचर और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन के, पर ये प्री में आ सकता है कि एक सीक्रेट कमिटी बनी जिसके कितने मेंबर थे, तीन मेंबर, उसमें तीन डायरेक्टर्स थे, एंड जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो
बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब उसमें सिविल हो सकता है, मिलिट्री हो सकता है और रेवेन्यू हो सकता है. रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी, रेवेन्यू ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स ऑफ ए कंपनी. तो इसका जो भी ये भेजेंगे वो किसके थ्रू भेजेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा इस मैटर में. और कमर्शियल डिसीजन कौन लेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो कमर्शियल डिसीजन ये भेजेंगे और बाकी पॉलिटिकल डिसीजन ये भेजेंगे. ठीक है, तो हम पॉइंट्स लिखना चालू करें. समझ गए अभी तक क्या बोला, कोई डाउट है आपको? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ड्रॉबैक और था ना, पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल वॉज वेरी वीक. तो क्या करेंगे हम, करेंगे काउंसिल मेंबर का नंबर कम, कम करेंगे ना, बढ़ाएंगे क्यों, प्रॉब्लम और बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम कम करेंगे. उसने गोली चलाती एक को तो मार ही देता हो, तो बोले मारो मत, हम कम कर दिए. तो चार को कितना कर दिया, तीन. इससे क्या फायदा हुआ, अगर एक आदमी भी अब गवर्नर जनरल की साइड है तो कास्टिंग वोट से मामला निकल जाएगा. समझ गए, आप तीन हो, एक भी मेरे साथ हो गया तो मैं कहूंगा हो गया ना, दो दो बराबर, और अब वोट में वापिस डालूंगा. तो मेरे को कितनों को अपनी तरफ करना है, एक. पहले कितनों को करना था, दो. इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू शूट टू एंड इट इज इजी टू शूट वन. इसका मतलब ये नहीं है मैं अकेला खड़ा हूं तो मुझे ही उड़ा दो, है ठीक है. तो कहां थे हम, जो भी लिखेंगे हम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द फर्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे लास्ट में हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द काउंसिल इज गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ. भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट, द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3. द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ए न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड इन ब्रिटेन. ए न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ए न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड इन ब्रिटेन टू लुक आफ्टर द पोलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी इन इंडिया. पोलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी इन इंडिया, क्योंकि कंपनी और भी जगह पोलिटिकल फंक्शन कर रही थी. ए न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द पोलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी इन इंडिया. लिखा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू लुक आफ्टर ओनली कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू ओनली लुक आफ्टर द कमर्शियल इंटरेस्ट, ओनली लुक आफ्टर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम द कंपनीज पोजेशंस इन इंडिया, द फर्स्ट टाइम कंपनीज पोजेशन इन इंडिया, द फर्स्ट टाइम कंपनीज पोजेशन इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. फर्स्ट टाइम्स वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. ठीक है, और कौन सा पॉइंट देखा था हमने, ए सीक्रेट कमिटी ऑफ थ्री डायरेक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट, ए सीक्रेट कमिटी ऑफ थ्री डायरेक्टर्स, ए सीक्रेट कमिटी ऑफ थ्री डायरेक्टर्स वर एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसी. A secret committee of three directors were established to oversee the communication, to oversee the communication between board of control and governor general in council. ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए. हाँ, एक पॉइंट और है. अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा, द स्ट्रेंथ ऑफ
काउंसिल वॉज रिड्यूस फ्रॉम 3-4 to 3। इसमें उसमें आप एक ये ऐड कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है फिर आप मेंस में ना लिखें। सो द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज स्ट्रेंथन। मतलब कभी सवाल आ जाए ना कि हाउ द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज स्ट्रेंथन, ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए तो आपको याद रहे कि इस तरीके से हुई है। कैसे हुई है? बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल 4-3। कैन हैव हिज से बाय ओनली गेटिंग वन वोट। लिखा आपने जो मैंने अभी बोला। सो इन दिस वे द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज स्ट्रेंथन। द लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिक्टेट सर, 2 पॉइंट रिपीट, क्या था भैया सेकेंड पॉइंट? A new body, board of control, was created to look after the political affair functions of company in India. ठीक है? हाँ, I was dictating the last point ना। The presidencies of Madras and Bombay. The presidencies of Madras and Bombay. The presidencies. I will repeat, Tanish. First, let me complete this point. The presidencies of Madras and Bombay were subordinated. The presidencies of Madras and Bombay were subordinated to the presidency of Bengal. Bombay and Madras were subordinated to the presidency of Bengal. इन मैटर्स ऑफ नहीं वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रेवेन्यूज। ये कहानी थोड़ी है कि कुछ भी लिख लेंगे। इन मैटर्स ऑफ वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रेवेन्यू। लास्ट पॉइंट, एक और जो हमने बोला था पर लिखा नहीं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज फॉरबिडन। इन काउंसिल वॉज फॉरबिडन, मैं बताऊं, फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन मतलब मना कर दिया। फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर और एंटर एनी ट्रीटी। मैंने बताया था ना, पीस और एंटर इनटू एनी ट्रीटी विदाउट द प्रायर सेंक्शन ऑफ, विदाउट प्रायर सेंक्शन लिख दो, है ना, विदाउट प्रायर सेंक्शन, ज्यादा बड़ा नहीं था, विदाउट प्रायर सेंक्शन लिखा आपने। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्री एज वेल एज मेंस इन दिस। कोई हाँ जी, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कौन ओवरसी कर रहा है? ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसलिए मैंने वहां पे छोड़ दिया कि विदाउट प्रायर सेंक्शन। प्रायर सेंक्शन हमेशा हायर अथॉरिटी दे सकती है, और हमने देखा कि पॉलिटिकल ये काम कर रहे हैं, ये कमर्शियल कर रहे हैं, तो कमर्शियल बॉडी तो परमिशन देगी नहीं किसकी, फॉर वॉर एंड एंटरिंग इन टू एनी ट्रीटी। यहां तक सबको क्लियर है? अब जो तनिश है लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो लास्ट पॉइंट आप रिपीट, मतलब इसके सेकंड लास्ट कौन सा था? हाँ, इसकी बात कर रहे हो तनिश, विच पॉइंट यू आर सेइंग? जस्ट राइट सम वर्ड्स। सीक्रेट कमिटी वन, ए सीक्रेट कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ 3 मेंबर्स। द सीक्रेट कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ 3 मेंबर्स एंड दे हैव टू ओवरसी द कम्युनिकेशन बिटवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये था आपने लिखा तनिश, दोबारा रिपीट करूं? तनिश, ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड 1784। हाँ मैडम, हाँ एक्चुअली क्या, हाँ इसमें बढ़ा दिया, हाँ, पर ये देखिए उस टाइम क्या था, उनको रिपोर्ट तो भेजनी थी किसकी,
रेवेन्यू की, पर यहाँ पे जब हम कह रहे हैं सबऑर्डिनेट कर दिया, मतलब नाउ ही कैन डायरेक्ट कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाओ, रेवेन्यू कैसे खर्च करो, पर करना तो अभी भी वहीं पर है। अभी देखिए धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है ना। नाउ द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ओवर अदर प्रेसिडेंसीज। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे इट विल रीच इट्स क्लाइमेक्स इन 1833, जहां पर सारे रेवेन्यू डिसीजंस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट बाय द प्रेसिडेंस गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। वी विल रीच देयर एंड देन यू विल बी एबल टू सी होल थिंग्स इन द होलिस्टिक वे। थर्ड पॉइंट क्या है भैया, थर्ड पॉइंट बस इतना ही था, नहीं थर्ड तो यही था बस। तो क्या था भैया थर्ड पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू लुक आफ्टर ओनली द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अच्छा आप रह गए थे ना, आपका देखो इंटरेस्ट भी रह गया। ठीक है, लिख लिया भैया, नहीं उधर चलिए, क्योंकि मुझे बताया गया है आपकी पहली क्लास है इसलिए आज हमारी स्पीड स्लो है, ताकि आपको सब समझ में आए, क्योंकि मैं चाहता हूं एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम सिंपल क्वेश्चंस, यू विल फील कंफर्टेबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट मी आंसरिंग एनी वन ऑफ देम फॉर यू। एक या दो में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें इन्फ्रेंस से डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, पर यू विल बिलीव मी यू विल बी एबल टू सोल्व ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड यू विल सी योरसेल्फ दैट इट इज नॉट दैट टफ एग्जाम बाय वे ऑफ स्टडिंग, इट इज टफ बिकॉज मेंटल प्रेशर और आपको बहुत लंबे टाइम तक स्टडी थोड़ा रेगुलर वे में करना पड़ता है, वरना ये टफ इतना नहीं है जितना कि बताया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी कम, एक छोटा सा पॉइंट है जो रिलेटेड इस पॉइंट से नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं सिर्फ एक बार समझ लीजिएगा। देखिए ये जो तीन मेंबर हैं काउंसिल में, इसमें से एक मेंबर होना चाहिए था, अरे यार वो तो हो गया ना यार, वो हो गया कमांडर इन चीफ। तो कमांडर ऑफ इन चीफ तीन में से एक मेंबर होगा। डू यू नो अबाउट द Cornwallis, Lord Cornwallis, he came to India as a Governor General of Bengal in 1786. But do you know he was also the leader, Commander in Chief, when Britishers were fighting against Americans in American War of Independence, and he was the person who was defeated by American forces. Do you know that point? So see the beauty of the British system at that time, a person who was in charge of the fighting force, where America, and who was a defeating general, who was defeated by the George Washington in his armies, that same person was sent to India as a Governor General of Bengal, the highest position one can offer. Why? हार गया था ना वो तो अमेरिका में, तो अगर कोई सिंपल सिस्टम होता तो क्या ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा चांस मिलता दोबारा? He was given a chance because it was believed that he has qualities, he is a man of capabilities, and it was just a exception. लड़ाई में जीत हार हो सकती है, but they were not having any doubt on the capability of Cornwallis. And Cornwallis was under depression when he came to Britain from America, and he was given charge of Governor General of Company because it was company क्या हो रहा थी problem देख रहे हो आप, and it was highly thought that he is a man of high ethics, so company की corruption को weed out करेगा, पर इन्होंने condition रख दी, I will only go if two of my conditions were met. क्या मैडम failed फुलफिल्ड? हाँ अच्छा मेट फुलफिल्ड एक ही बात है, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज वी कैन यूज। मैं भी देखो अभी पढ़ाते पढ़ाते कई वर्ड्स लिखवाते लिखवाते मैडम कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने कुछ और वर्ड बोल दिया था। हाँ के ना, तो हंसना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एक साल डेढ़ साल बाद आपका एग्जाम है, एक साल बाद प्री है और डेढ़ साल बाद आपका मेन्स है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो बहुत जल्दी आपकी बैटरी
खुश रहना है, हंसते रहना है और पढ़ाई को एंजॉय करना है। आज थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, पर जनरली आप जब पढ़ोगे और आप चीज़ें समझने लग जाओगे तो वो आपके लिए इंजॉयमेंट होगा। कहाँ पे था मैं? लॉर्ड वॉलेस। दो कंडीशन, क्या कंडीशन थी? पहला, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ शुड बी वन पर्सन। इक्वल कैसे? वन पर्सन, एंड दैट पर्सन शुड बी मी बिकॉज आई एम गोइंग टू बी। तो तीन में से एक जो कमांडर इन चीफ थे वो पोजिशन भी मुझे दो, और दूसरा आई शुड बी गिवन स्पेशल ऑथोरिटी टू वीटो काउंसिल। अगर तीनों मेरे अगेंस्ट हो तो भी मेरे को डिसीजन लेने की पावर दी जाए। सो इन 17, अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, सब्र करिए। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तीन लोग सैलरी ले रहे हैं, अगर उनका काम ही नहीं रहेगा तो सैलरी क्यों देंगे? अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस देन ए एक्ट वॉज पास इन 1786 मीटिंग बोथ द डिमांड्स एंड द कैवियट वॉज द सेम पावर विल बी कमांडर इन चीफ एंड गवर्नर जनरल विल बी द सेम पर्सन हु लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ही विल बी हैविंग द राइट टू वीटो हिज काउंसिल बट ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय हिम इन सच इंस्टेंसेस। आपने अगर वीटो करके कोई डिसीजन लिया है तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय। ये 1786 में हुआ था, ये आपके नोट्स में मेरे ख्याल से एड करा था, एक बार लेट मी चेक। देखो सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट का। कॉर्नवालिस व्हेन अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इंसिस्टेड ऑन हैविंग द पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन इन इंडिया। द एक्ट ऑफ 1786 गेव हिम पावर ही आस्क्ड फॉर। द ऑफिसेस ऑफ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ वर टू बी यूनाइटेड इन द सेम पर्सन। इसमें बस एक बात नहीं लिखी हुई जो मैंने बताई है, इफ ही इज रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस। आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, ये अब मैं नहीं लिख पाऊंगा सारे पॉइंट, इसमें है ना, इसी में ऐड कर लीजिए, समझ गए। तो अगर प्री में सवाल आएगा तो यू विल हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट रीडिंग 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ऐड नहीं करना सर, लिख लीजिए। कोई भी चीज होगी हम लिख लेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे हमें याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम आज कल नहीं है, एग्जाम एक साल। हाँ ये बात है, इसलिए नहीं लिख रहे। ही वॉज गिवन पावर, हु कॉर्नवालिस वॉज गिवन पावर टू ओवरराइड, ओवरराइड और वीटो एक ही बात है, ओवरराइड हिज काउंसिल इन इंपॉर्टेंट मैटर्स बट He was given power to override his counsel, but he has to take responsibility for those decisions. Bas, bear with me for, I think, 1 hour. ठीक है ना, क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े हम। 1793 चार्टर एक्ट, 1793 तो चार्टर एक्ट है, तो क्या होगा मैडम? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्स्ट पॉइंट, लाइसेंस ऑफ कंपनी वाज रिन्यूड फॉर 20 इयर्स। चार्टर ऑफ कंपनी वाज रिन्यूड फॉर 20 इयर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, द चार्टर ऑफ स्टूडेंट, चार्टर ऑफ company was renewed for 20 years, first point. Second points, all the higher positions of administration in India, all the higher positions for administration in India was reserved for Europeans or Britishers. Third point, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
वॉज गिवन एक्सप्लिसिट पावर्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन एक्सप्लिसिट पावर्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन एक्सप्लिसिट पावर्स टू ओवर राइड या ओवर रूल हिज काउंसिल इन इंपॉर्टेंट मैटर्स. अंतर समझ रहे हो? जो स्पेसिफिक पावर सिर्फ कॉर्नवालिस को दी गई थी, अब सब गवर्नर जनरल को मिल गई. शुड आई रिपीट? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन स्पेसिफिक पावर्स टू ओवर रूल या ओवर राइड हिज काउंसिल इन इंपॉर्टेंट मैटर्स. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं मिली क्या ये मेटेरियल की? अच्छा, तो दो चीजें हैं जो आज की क्लास से निकली. एक तो जो सिलेबस फर्स्ट क्लास में तनु मैडम ने प्रोवाइड करा था उसकी पीडीएफ, और जो भी क्लास चालू होने के पहले अगर पीडीएफ मिलती है तो ऑनलाइन बच्चों. ठीक है, दो चीजें. एनी अदर थिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द पीडीएफ मटेरियल ऑफ द क्लास एंड सिलेबस ऑफ यूपीएससी. ठीक है, एंड ये कैसे मिलेगा उन्हें, वो पूछ रहे हैं. टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आई थिंक टेलीग्राम विल बी इजी. ठीक है, तो यू विल बी प्रोवाइडेड. नहीं, ईमेल के थ्रू इट इज नॉट पॉसिबल कि सबको ईमेल करा जाए. इट विल बी शेयर्ड इन ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज डाउनलोड फ्रॉम देयर. हैंड हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा? हार्ड कॉपी तो सबको कैसे मिलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी की थोड़ी बात हुई है. जो कह रहे हैं पीवाई. अच्छा चलो देखते हैं आज की क्लास में. धीरे धीरे सब चीजें, एक दिन में रोम नहीं बना था और एक दिन में ही कुआ नहीं फूटता है. सब्र का फल मीठा होता है, क्या बकवास हो रही. चलो कहां पे हैं हम? 1793. पहला पॉइंट हो गया ना, एक ही पॉइंट लिखवाया ना, तीन पॉइंट हो गए. चलो खत्म. क्या पॉइंट थे? पहला पॉइंट था गवर्नर जनरल लाइसेंस ओवरराइडिंग, और तीसरा था हाँ समझ गया याद आ गया. चौथा पॉइंट, रेगुलर कोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस वॉज प्रोवाइडेड. मतलब किस तरीके से जस्टिस मिलेगा, सिविल जस्टिस मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा. रेगुलर कोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस वॉज प्रोवाइडेड. इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये आएगा नहीं इतना डिटेल में. बस एक पॉइंट है कि अगर कभी आ गया तो आपको याद रहे 1793 से अटैच्ड है. ठीक है, ऑल द हायर पोजिशन फॉर रिजर्व, वो भी हो गया ना. चलिए तो अब ये हो गया है, अब हम बढ़ेंगे 1813 के एक्ट पे. दैट इज इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. एक कॉर्नवालिस कोड भी आया था 1793 में अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, क्योंकि उस टाइम जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर दोनों, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, तो ये रेगुलेशन वाला भी उसी से रिलेटेड है ना. वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से जो है उसमें. तो 1813 हम आ गए. अब देखिए 1813 के पहले क्या हो रहा था. देखिए 1776 में एक फेमस बुक आई, वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ. वेल्थ ऑफ, ये समझने के लिए है. ठीक है, आई थिंक ये नोट्स में भी होगा, मतलब मटेरियल में भी होगा. वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी, इन्होंने क्या बोला था? बहुत बढ़िया, रिपीट करो मैडम. मॉडल, यानी कि स्टेट शुड नॉट टेक पार्ट इन द कमर्शियल एक्टिविटीज. कमर्शियल एक्टिविटीज शुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टेट. पर मर्केंटलिज्म में क्या हो रहा था, स्टेट का कोऑपरेशन प्रोटेक्शन. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड. कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी फ्री ट्रेड के मॉडल पे कर रही थी कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट के मॉडल पे कर रही थी. तो 1776 में कोई चीज आई और धीरे धीरे पॉपुलर होती गई, और हम अभी आ गए हैं
तो ये जो मॉडल है एडम स्मिथ का, इट वॉज गेनिंग ट्रैक्शन कहां पर? अरे कहां पर, ब्रिटेन की बात हो रही है ना, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चालू हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उनको क्या चाहिए, फ्री मार्केट चाहिए। कंपनी क्या, कंपनी के पास जो मोनोपोली है वो इफेक्ट कर रही थी। साथ ही साथ उस टाइम पे यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट वो होते हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी कर रहे थे। यूटिलिटेरियन क्या चाहते हैं, स्टेट का रूल हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो उनका कहना था कंपनी ना तो प्रमोट कर रही है क्रिश्चियन मिशनरीज को, ना कंपनी प्रमोट कर रही है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को, कहां पर, इंडिया में। यानी समझ में आ रहा है ना, तो ये सब काम कंपनी नहीं कर रही, ये सब काम करना चाहिए। ये सब बातें चलते चलते आ गई 1813। और इसके कुछ साल पहले क्या हुआ था, नेपोलियन स्ट्रोंग था, नेपोलियन ने क्या करा था, कहाँ ब्लॉकेड करा था, ठीक है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड करा था। तो उस वजह से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड होने से यूरोपियन मार्केट में जब ब्रिटिश गुड्स नहीं जा रहे हैं तो दे शुड हैव फ्री एक्सेस टू अदर मार्केट्स, इंडिया वॉज ए बिग मार्केट। इन सब चीजों से चलते हुए जो ब्रिटिश पॉलिटी थी, ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी, लोकल पॉलिटिक्स, वो अफेक्ट हो रही थी। इस वजह से जब भी कोई एक्ट आएगा इंडिया में भी, अगर कोई कानून बनता है आउट ऑफ ब्लू, तो किस वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स। इसी वजह से जो भी मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर कि वाई सम थिंग्स आर हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर एक्ट, बिकॉज इफ यू नो द पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटेन यू विल बी एबल टू जज, इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर इन द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू जज एंड गेस इंटेलिजेंटली विच विल बी द नियरेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर यू। सो व्हेन दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन ब्रिटेन, इट बाउंड टू हैपन दैट द चार्टर एक्ट एंड अदर एक्ट विच वी गोइंग टू पास विल हैव सम इम्पैक्ट। सो 1813 का चार्टर एक्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया वॉज अबोलिश्ड, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया वॉज अबोलिश्ड, बट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, बट इट्स बट इट्स राइट, कर दो मोनोपोली नहीं, बट इट्स राइट टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी वर कंटिन्यूड। शैल आई रिपीट, द कंपनीज मोनोपोली मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया वॉज अबोलिश्ड, बट इट्स राइट टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी वर कंटिन्यूड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इंडिया, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इंडिया। लिख लिया द थर्ड पॉइंट विच शुड बी द फर्स्ट वन, द लाइसेंस ऑफ कंपनी वॉज रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, द लाइसेंस ऑफ कंपनी वॉज रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स। द सेकेंड पॉइंट वॉज क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इंडिया, एंड द थर्ड पॉइंट वॉज द कंपनीज लाइसेंस वॉज रिन्यूड फॉर अनादर 20 ईयर्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रुपीज वन लेख वॉज सेट असाइड, रुपीज वन लेख वॉज सेट असाइड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, रुपीज वन लेख पर एनम, हर साल 1 लाख रुपया आपको रखना है कंपनी को अपने रेवेन्यूज में से। रुपीज वन लैख पर एनम वॉज सेट असाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आया समझ में?
हो गया, समझ में आया? तो अगर सवाल आएगा कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड बाय विच एक्ट, मतलब आ गया आपको, आ गए 2 नंबर, ठीक है चलो। 1833, वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो दिस एवरी पॉइंट ऑफ दिस एक्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ दिस एक्ट? विलियम बेंटिक। आपको हर गवर्नर जनरल का नाम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल का, जो एक किसी भी एक्ट के टाइम पर थे या किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के टाइम पे थे। चलो वी विल कंटिन्यू ओवर द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज लाइसेंस ऑफ कंपनी वॉज रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स। द सेकेंड पॉइंट लिख लिया सर, क्या हुआ भूल गए कुछ, रुक गया, रिपीट करूं? तो पहला पॉइंट लिखिए, तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट किसका है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंपनीज लाइसेंस वाज रिन्यूड फॉर कितना, 20 ईयर। द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हो गया, ही वॉज टू लेजिस्लेट, कौन गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कर लो, गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन कर रहा था, मद्रास और बॉम्बे की, मैं रिपीट करूं मैडम कुछ भूला बताइए, ही गोज नहीं, he was given power to legislate for whole of British India. He was given, Governor General in Council was given power to legislate for British, whole of British India. इसका मतलब क्या हुआ, किसकी पावर ले ली गई, नहीं मैडम, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज टू लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ इंडिया, इसका मतलब प्रेसिडेंसी कहाँ की, मद्रास और बॉम्बे, उनसे ये पावर ले ली गई। व्हाट दे कैन डू, ये नोट्स में मटेरियल में है, आप लिखना चाहे तो लिख लें। वो सिर्फ क्या कर सकते थे, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते थे कि सर जरूरत है ये वाला कानून देख लो ना, पहले क्या कर सकते थे, खुद बना सकते थे। तो ये क्या हो गया सेंट्रलाइज, अब लिखवाएंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंगल फंड, ए सिंगल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, ए सिंगल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फ्रॉम विच, इन विच ऑल द रेवेन्यूज टू बी डिपोजिटेड। ए सिंगल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन विच ऑल ऑफ रेवेन्यूज वर टू बी क्रेडिटेड, in which all the revenues were to be credited and from which all the expenditures were to be made. All the revenues to be credited, all the revenues to be credited and all the expenditures were to be made. yani ki सिर्फ एक फंड होगा जिसमें सारा पैसा आएगा और एक ही फंड होगा जिससे सारा पैसा जाएगा। एंड दिस फंड वॉज एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इससे क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन किसका हुआ, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स का भी हो गया और रेवेन्यू पावर्स का भी हो गया। इसका मतलब 1833 का एक्ट से सेंट्रलाइजेशन हो गया सब लेजिस्लेटिव और रेवेन्यू पावर्स का। आप में से कोई है जिसका पॉइंट छूट गया है जो चाहता है रिपीट करा जाए, सबने लिख लिया,
तो अगर ये सवाल आएगा दैट क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज या वो पावर, वो एक्ट जिससे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत सारी या सबसे ज्यादा पावर मिली, या वो एक्ट जिससे कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ले ली गई, तो आंसर क्या होगा? तो ये पॉइंट हो गए, कुछ रहा क्या? हाँ, कंपनी सीज टू बी ए कमर्शियल एंटिटी, कंपनी सीज्ड टू बी ए कमर्शियल एंटिटी बाय दिस एक्ट, कंपनी सीज्ड टू बी एन कमर्शियल एंटिटी बाय दिस एक्ट एंड कंपनी हैज टू एक्ट प्योरली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लास्ट पॉइंट में रिपीट करता हूं जासमीन, दो मिनट। कंपनी सीज्ड टू बी कमर्शियल एंटिटी एंड इट हैज टू एक्ट ओनली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। द लास्ट पॉइंट वॉज ए सिंगल फंड, ए सिंगल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन विच ऑल ऑफ द रेवेन्यूज वॉज टू बी, रेवेन्यूज वर टू बी क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंडिचर वर टू बी मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। यही था जासमिन जी लिखा, सिंगल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन विच ऑल द रेवेन्यूज वर टू बी क्रेडिटेड एंड फ्रॉम विच ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर वर टू बी मेड। अब हम कहां पर थे? एक पॉइंट वो लिख लिया कि कंपनी की मोनोपोलीज ऑफ चाइना ट्रेड एंड, नहीं नहीं वो तो 13 में कंटिन्यू थी ना मैडम, 13 में तो अबोलिश करेंगे ना, 1333 पे हम, why we are talking about the 1313, लिखो। देखो मैंने एक पॉइंट पहले लिखवाया ना कि कंपनी सीज टू बी कमर्शियल बॉडी, तो कंपनीज मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड एंड ट्रेड इन सी वॉज अबोलिश्ड, ये जो पॉइंट लिखा इसी में ब्रैकेट में लिख लो, कंपनीज मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड एंड ट्रेड इन टी वॉज अबोलिश्ड। लिख लिया सर, हाँ एक और पॉइंट है, बाय दिस एक्ट ब्रिटिश सिटीजन्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे। अब ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है, मतलब दे कैन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज, दे कैन बाय लैंड, दे कैन कैरी फॉरवर्ड द प्लांटेशन एक्टिविटीज। वन मोर पॉइंट, दिस एक्ट प्रोवाइडेड, वन मोर पॉइंट, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इन्होंने कहा कि रेगुलेशन बनाओ और स्लेवरी अबोलिश करो। This act provided for the abolition of slavery, which was finally done in 1843. This act provided for the abolition of slavery, which was finally done in 1843. This act provided for the abolition of slavery, which was finally done in 1843. चलिए हो गया, सब पॉइंट हो गए। Now we will move to the next Charter Act of 1853. टाइम है अभी, क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ बोलो, एक बजे तक है ना क्लास, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो हम कहाँ हैं? 1853। आई होप किसी को कोई अर्जेंट काम नहीं है। चलिए 1853 फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपनीज लाइसेंस वॉज रिन्यूड बट टाइम पीरियड वॉज नॉट मेंशन। इसका क्या मतलब हुआ?
कंपनीज लाइसेंस वॉज रिन्यूड, पहले लिख लो, कंपनीज लाइसेंस वॉज रिन्यूड बट टाइम पीरियड वॉज नॉट मेंशन. इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कंपनी का लाइसेंस विच हैपन्ड इन 1858 में हुआ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. अभी तो बोला कि मैंने कहा खत्म कब हुआ, 1858 में हुआ, हो गया. सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर ओपन कंपटीशन, इट प्रोवाइडेड फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, ओपन कंपटीशन. अब आप लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई भी. ब्रिटिशर्स भी नहीं बैठ सकते थे पहले, 1853 तक क्या था. लेट मी कंप्लीट, देन आई विल, वी विल डिस्कस. पहले क्या था, नॉमिनेशन होता था, जो कंपनी के डायरेक्टर्स चाहेंगे उनको क्या बना देंगे, कंपनी का सिविल सर्वेंट. फिर 1833 में क्या हुआ, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी हुई, मतलब आप किसी को भी बना नहीं सकते, बट यू कैन सेलेक्ट दैट ओनली दीज पीपल विल राइट दिस एग्जाम. 1853 में क्या हुआ, नहीं, इट विल बी थ्रोन ओपन टू ऑल द पीपल हु वांट टू राइट द एग्जाम. 1833 के बाद जगह है, एक पॉइंट है उसमें, मैंने सोचा था 1833 में एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, आप ऊपर लिख लीजिए या फिर नोट्स में भी है. क्या पॉइंट है, इट वॉज स्टेटेड 1833 में, इट वॉज स्टेटेड दैट नो इंडियन विल बी बार्ड या बेयर्ड विल बी बार्ड फ्रॉम एनी पोजिशन इन गवर्नमेंट. अब आगे और भी पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, स्टेट, वो सब मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ. आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसमें भी वो पॉइंट है 1833 में, नोट्स में भी होगा, मेटेरियल में भी एक बार चेक करें. समझ गए. तो अगर ये आया कि कौन से एक्ट में पहली बार ये स्टेट किया गया कि इंडियंस विल बी, ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट विल बी ओपन फॉर ऑल द इंडियंस, कौन सा एक्ट है, 33 में बोला ना ये पॉइंट, तो 33 में ही लिखा ना, 53 में तो नहीं लिख लिया. नोट्स को सही बनाना जरूरी है ना. कहाँ थे हम, 53 पे आ जाते हैं वापस. जंप टू 53, द फर्स्ट पॉइंट क्या था, लाइसेंस रिन्यू हुआ. सेकेंड, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यार, 33 में एक पॉइंट और रह गया, हाँ सॉरी, लिख लीजिए या तो एक बॉक्स बना के, 33 का पॉइंट है. 33 का एक पॉइंट है, बॉक्स बना के लिख लीजिए. 33 का एक पॉइंट है, ए लॉ मेंबर वॉज एडेड व्हेन गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज टू मीट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेस. ये किसका पॉइंट है, 1833 का. क्या, ए लॉ मेंबर वॉज एडेड इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल व्हेन दे हैव टू मीट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेस. हु वॉज दैट लॉ मेंबर, लॉर्ड मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर. लॉर्ड मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर. ए लॉ मेंबर वॉज एडेड टू द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल व्हेन इट हैज टू लेजिस्लेट फॉर इट हैज टू मीट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेस. अब इसमें एक पॉइंट है, दैट लॉ मेंबर वॉज नॉट गिवन एनी वोटिंग पावर. दिस लॉ मेंबर वॉज नॉट गिवन एनी वोटिंग पावर. लिख लिया, सॉरी फॉर दिस यार, मेरे दिमाग से निकल गया. 1853 पे आ गए, द लॉ मेंबर वॉज मेड, 1853 में आ रहे हैं. ये जो लॉ मेंबर था ना, जिसके पास क्या नहीं थी, वोटिंग पावर नहीं थी, और इट वॉज ओनली हैज टू अटेंड लेजिस्लेटिव, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए जब मीटिंग होगी सिर्फ उसमें, एग्जीक्यूटिव और काम के लिए नहीं. दिस 1853 में हम लिख रहे हैं, द लॉ मेंबर वॉज मेड ए परमानेंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. द लॉ मेंबर वॉज मेड ए परमानेंट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल. समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बताइए.
नहीं ना 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 ना, दोनों में अंतर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसको समझाता हूँ, अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए पहले मैं गिर रहा हूँ, देखिए 1773 में क्या बना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसके कितने मेंबर थे, गवर्नर जनरल प्लस फोर। 84 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल प्लस थ्री। इन सबको क्या करना है, लेजिस्लेट भी करना है और एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी लेना। 1833 में बोला गया कि ये जो गवर्नर जनरल प्लस थ्री हैं, ये जो भी काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव करते रहो, पर जब आप लेजिस्लेटिव काम करोगे, यानी जब आप लॉ बनाओगे, रेगुलेशन बनाओगे, तो आप एक लॉ मेंबर के को ऐड कर लोगे अपने डिसीजन मेकिंग वाले सर्कल में, और ये लॉ मेंबर उसी टाइम बैठेगा जब सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए मीटिंग होगी, और जब ये लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए मीटिंग होगी तो लॉ मेंबर के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, पर वो अपनी बात कहेगा। समझ गए, हाँ समझ गए। अब बोला गया 1853 में कि अब गवर्नर जनरल प्लस थ्री प्लस लॉ मेंबर इज इक्वल्स टू गवर्नर जनरल इन, समझ गए, मतलब यहां पहुंच गए आप, और ये हो गया। और यहां क्या कह रहे थे, जब लेजिस्लेट करोगे तो ये होगा, अब ये कह रहा है जब लेजिस्लेट करोगे तो गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल मेंबर प्लस सिक्स मोर मेंबर्स। सो वी विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मेंबर, परमानेंट मेंबर हो गया तो वोटिंग राइट होगा ना, कहाँ था मैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस सिक्स मेंबर्स वर एडेड, सिक्स मेंबर वर एडेड व्हेन गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज टू मीट फॉर मेकिंग एनी लेजिस्लेशन। हाँ जी, मैंने क्या बोला लाइन, शुरू से बोलिए, व्हेन फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस कब बोला, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस सिक्स मोर मेंबर्स वर एडेड इन द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन इट हैज टू सिट फॉर मेकिंग लेजिस्लेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस व्हेनेवर गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैज टू सिट सिक्स मोर मेंबर्स वर टू बी प्रेजेंट मोर मेंबर्स। भावना समझ रहे हो, मतलब यहां पे इसको वोटिंग पावर नहीं था, उन सिक्स मेंबर को भी वोटिंग पावर नहीं रहेगा, एक तरह से क्या बनाया गया, छोटी सी लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ गए, अब लो मेंबर अलग आदमी नहीं रहा, अब वो पार्ट है, अब आप ये भाई भतीजावाद अब या जातिवाद नहीं करेंगे, अब वो लो मेंबर नहीं है, वो क्या है, अब देखो भावनाओं में भेजाते हो, गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितना है, 1+4। लड़ाई करनी है ये डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करना है डिसीजन लेंगे, पर जब ये लॉ बनाएंगे, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ये इट इज लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारा काम ये कर रहे हैं, पर जब लॉ बनाएंगे तो किसके साथ बैठेंगे, लॉ मेंबर नहीं है मैडम अब इनका नाम, अब इनका नाम है सिक्स मेंबर, लो मेंबर कह लो, चलो सिक्स मैक्सिमम है ये, अगर ये छह में से पांच आए, चार आए, तीन आए, तो भी इसको ऐसे देख लो, लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल क्यों बोला, क्योंकि अभी भी इनको पूरे इंडिया के लिए लो बना। समझ में आया, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं, आ गया तो ये हो गया है। अब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिससे हम कंपनी को अबोलिश करेंगे, वो लिख लीजिए दो पॉइंट।
फिर हम जल्दी से देखेंगे सारे क्वेश्चंस और आपको कितना समझ में आए। पहला पॉइंट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, इट मीन्स क्राउन वॉज टू डायरेक्टली एडमिनिस्टर द पोजिशंस ऑफ कंपनी इन इंडिया। अभी तक क्या था? इनडायरेक्ट पोजिशन, समझ गए। सेकेंड पॉइंट, द सोल्जर्स ऑफ कंपनी बिकेम द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। द सोल्जर्स ऑफ कंपनी, ये सिक्स लोग कौन होंगे? कौन होंगे ये छह लोग जो चुने जाएंगे, है ना? कोई भी छह लोग हो सकते हैं, जनरली सिविल सर्वेंट्स ही होते थे। ठीक है, मैं कहाँ पे था? द कंपनी सोल्जर्स बिकेम द सोल्जर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी बिकेम द सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो भी ऐसे ही हो गए, कंपनी सर्वेंट बिकेम द सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द सोल्जर्स ऑफ कंपनी बिकेम द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, secretary of state of india was established, Secretary of State of India. रिपीट कर रहा हूं, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड टू एड एंड एडवाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। रिपीट करूं? हाँ बताइए। ये किसकी जगह लिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही वॉज टू बी द लिंक बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया। ही वॉज टू बी द लिंक बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया। अब ये नया सवाल आया, वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? तो गवर्नर जनरल थे, उनके ऑफिस को रीनेम्ड करके क्या कर दिया गया? नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल एज वाइसराय। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन ए न्यू टाइटल वाइसराय एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। हाँ बताते हैं नवीन जी, क्या बचा?
द न्यू ऑफिस द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज गिवन ए न्यू नेम वाइसराय एंड ही वॉज द ऑफ क्राउन इन क्राउन ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया. ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेटिव है? क्राउन का. सवाल आया है कंपनी के पास बचा क्या जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सब आ गया, क्या बचा? कुछ नहीं. क्यों बचे? अब तो फ्री ट्रेड है, हो गया सब. तो गवर्नर जनरल का वाइसराय बन गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बन गया, 15 मेंबर्स हो गए. अच्छा, इसमें जब मैंने लिखा एड एंड एडवाइस, तो एड एंड एडवाइस मतलब क्या? ये एडवाइस बाइंडिंग है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर? लिखना चाहे तो लिख लीजिए, द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, द एड एंड एडवाइस ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज नॉट बाइंडिंग ऑन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. द एड एंड एडवाइस ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, द एड एंड एडवाइस ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज नॉट बाइंडिंग ऑन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. समझ गए? समझ में आया? कंपनी के ऑफिशियल्स, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, हमने पढ़ लिया. वाइसराय हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया. कंपनी से क्राउन को रूल पास हो गया, वो हमने पढ़ लिया. अब इसमें ये सारे खत्म हो गए. क्या अब आपका काम क्या है? घर जाके इसको रिवाइज करना, पढ़ना, और इसमें से जो चीजें आपको, वैसे तो हमने सब कवर कर लिया, फिर भी कुछ ऐसा लगे तो इंडिकेटिव वे में अपने नोट्स में लिखना. उसके बाद अभी हम क्वेश्चन यहीं पर करेंगे, उसके बाद 2-3 पेज का गैप छोड़ना नेक्स्ट क्लास के पहले, अगर मतलब फ्यूचर में जब भी ऐसी हिस्ट्री की क्लासेज हो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए. पहला क्वेश्चन हम थोड़ी बाद में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे आइए. ये पूछा गया है 2002 में. इसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास शायद नहीं होगा. क्या हम अभी दे सकते हैं उस पे टेलीग्राम पे डाल रखा है? टेलीग्राम पे आपके पास होगा तो टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, आप बता दीजिए. ठीक है, तो 2002 का क्वेश्चन है. अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट, 2002 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन चेक कर लीजिए. लिस्ट वन और लिस्ट टू है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा. पहले हम लिस्ट टू पढ़ते हैं. ठीक है, बी विद मी. लिस्ट वन का फर्स्ट, लिस्ट टू का पहला स्टेटमेंट पढ़ो. नहीं नहीं अरे भैया, सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है. सेकंड क्वेश्चन के लिस्ट टू का पहला स्टेटमेंट पढ़िए. बताइए कौन से एक्ट से आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे बना था? बताइए, अभी पढ़ा है तू ढंग से नहीं पढ़ रहा ना. अरे सुनो यार, ध्यान से. हाँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ो. क्या कह रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? कब बना था? स्पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा था, टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स. तो इसका मैचिंग क्या होगा फोर्थ का? पिट्स इंडिया एक्ट, यानी डी. हाँ के ना, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए. कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड कब? जोर से बोलिए. 1813, मैच कर दीजिए. थर्ड पॉइंट, पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. 58. फोर्थ पॉइंट पढ़िए. रेगुलेटिंग एक्ट. क्या ये सब चीजें आज हमने पढ़ी? क्या ये सवाल इजी? हाँ कि ना? ये कौन सा हाँ होता है? तो ये सवाल मैंने करा कि आपने करा अभी? तो आंसर बताओ क्या होगा, समझ लेना. मैंने देखा नहीं, पर समझ में आ गया सबको. अब थर्ड पे आओ. अब मैं इस बार मन में पढ़ो सर, और आंसर बताना मुझे. ये कह रहा है 1833 के एक्ट में इनमें से कौन सी बातें
नहीं थी। बताइए आंसर बताइए। इस पे बोल दूं, इसमें डला हुआ है, चैट बॉक्स में डल गया है ये, डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट और आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में है, आप आंसर दीजिए। क्या है आंसर? हाँ नहीं है, क्या है? हाँ पढ़ लीजिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट आंसर देन बिकॉज देन वी कैन डिस्कस। ए तो आपका नाम सरफराज, कुणाल भैया कह रहे हैं डी, सरफराज और विकास, हर्ष, हर्ष कह रहे हैं ए। तो भाई ए और बी के साथ जाओगे कि किसी का बी और डी भी सी भी है? ए। चलिए ए और डी में ही कंफ्यूजन है ना, बाकी सब तो क्लियर है। हाँ मैडम बताइए। डी, भाई डी इसका सही आंसर है। क्या मैंने कहीं डी सही है, नोट ना, डी सही आंसर है और ए सही स्टेटमेंट है, अंतर समझ रहे हो? गलत स्टेटमेंट पता करना है ना, तो डी गलत स्टेटमेंट है और ए सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हुआ? डी। क्यों हुआ वो देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं पहला सही क्यों है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबोलिस्ट, इसमें गलती क्या है? क्या मैंने ये 33 में नहीं लिखवाया कि इट वाज टू रिमेन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ऑल द कमर्शियल इंटरेस्ट वर अबोलिस्ट। इंडिया ट्रेड तो इंडिया मोनोपोली 1813 में खत्म हुई, मोनोपोली खत्म हुई थी 1813 में, मतलब ट्रेड तो चालू था। 1833 में बोला कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्या हो? अरे मैडम हाँ के ना, 1833 अपने नोट्स खोलो, क्या उसमें एक पॉइंट है इट हैज टू वर्क ओनली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी? वो तो 13 में था ना, 33 में अबोलिश्ड इन चाइना और इंडिया में था ना कि इट इज हैज टू वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लिखा है कि नहीं लिखा? अरे हाँ के ना यार, किसी ने तो नहीं लिखवाया। तो लिखवाया ना, तो ये कैसे हुआ कि इसने लिखा तूने नहीं लिखा? तो 33 तो बोल रहा हूं यार, सवाल पढ़ो, सवाल क्या है भाई, तुम कहां पढ़ रहे हो? आपका नाम क्या है भैया, नाम क्या है? अरे हंस क्यों रहे हो, नाम ही तो पूछा है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को निर्वाणा अभी नहीं मिला, नॉलेज की कमी है। चलिए समझे, और फोर्थ गलत क्यों है? क्या मैंने कहीं ये बोला कि इंडियन हैज टू अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, लॉ मेंबर बोला था, तो ये पकड़ क्यों नहीं पाया आप? इसका मतलब आपने वन के पे ही गलत मान लिया और डी तक पहुंचे नहीं, ये भी एक आंसर ऑप्शन हो सकता है। मार्वल भैया क्या नाम है आपका, डाउट है नहीं? मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है आपको कुछ। अच्छा वो ठीक है, पर अभी जो बोला वो समझ में आया? देखो किसी को कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ लेना। चलिए आगे बढ़े, और 33 ही तो सवाल में पूछा है, आप तो कह रहे थे वो तो 33 में है, तो मतलब आपने सवाल ही नहीं पढ़ा, 33 को पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। यार वो कह रहे हैं चैट बॉक्स में आया नहीं है मटेरियल, अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बी क्या बोल रहा है? नहीं ओनली सब तो करने दो, बी क्या किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। बी सही है, ये सवाल आपने किया मैंने किया, यूपीएससी का सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
1773 में गवर्नर जनरल कौन था? 1773 में विलियम बेंटिंक था, एलिजा हिम्पे था। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था फिर? वॉरेन हेस्टिंग्स। पढ़ा था ना, तो फिर गलत हो गया ना पहला स्टेटमेंट, तो इतना डाउट क्या है? और सेकंड स्टेटमेंट वो भी गलत है। कैसे? नहीं, वो कह रहा है गलत है, तो मैंने कहा कैसे? देखो ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, कहां पे गवर्नर जनरल। सेकंड सही है, पहला गलत है, समझ में आ गया? चलिए सिक्स, जिस जो लोग कह रहे हैं कि उनको पीडीएफ नहीं मिली है, आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आप इसको सॉल्व करके लाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो हम दोबारा इसको ले लेंगे, ठीक है? कहां पे हैं हम? क्वेश्चन नंबर सिक्स बताओ, 1813 के बारे में है। पढ़ लिया सबने? पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? पहला सही है। दूसरा सही है गलत है? इसमें डाउट हो रहा है ना आपको। दूसरा स्टेटमेंट आप समझिए, फर्स्ट टाइम द पोजेशंस ऑफ ब्रिटिश कंपनी वाज कॉल्ड अस ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। कब? 1784। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये किसके पोजीशंस हो गए, क्या ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं करी इंडियन पोजीशंस में? इसके बाद जितने भी चार्टर एक्ट्स थे सब में बोला गया कि ये पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि असर्टेड द ब्रिटिश सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो इसमें गलत क्या है? 1784 में भी हुआ था और बाद में भी हर चार्टर एक्ट में बोला गया कि आपको ये जो ये है ये आप किसके लिए हेल्ड कर रहे हो, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कैसे? 1333 में क्या ऐसा हुआ क्या? कहीं भी हमने लिखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए रेवेन्यू को खर्च करने के लिए, कैसे यूज करना है? क्या हमने ऐसा देखा? हमने क्या बनाया 1833 में? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया अंडर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अगर ये स्टेटमेंट आता भी है तो ये स्टेटमेंट कहां के लिए सही है? पढ़ के आइएगा एक बार, फिर डिस्कस करेंगे। 1858 नहीं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडियन रेवेन्यूज पे कभी भी नहीं रहा, पर अगर आप इनडायरेक्ट भी देखना चाहें तो जब शुरू में लॉ बनेगा तब आएगा ना। 1833 तो बहुत बात की बात है। देखिए सब जब ऑब्जेक्टिव सवाल होता है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े, ये डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसी साल का सवाल है, बताओ। ये रहमान बताया ना, सरफराज ने एकदम से बोले मैं पहले ही में जवाब दे दूं। गुड, ये इस साल का सवाल है। इजी है, टफ है? व्हाट इफ आई टेल यू कई लोगों ने इसको गलत किया है। मैंने कईयों से बात करी है जिन्होंने सवाल गलत किया। क्या ये टफ था, इजी था? तो क्यों गलत हुआ होगा?
पहली बात रिवीजन ढंग से, आज आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने आज पढ़ा है, पर आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सिंपल सवाल भी टफ हो जाएगा। सेकंड, मेंटल प्रेशर। प्रेशर क्यों है? क्योंकि आपको, जिसको ये पता रहता है मेरी प्रिपरेशन में कमी है, वो प्रेशर लेता है। जिसको पता है मैंने सब पढ़ लिया, जो जो पढ़ना था रिवाइज कर लिया, तो प्रेशर नहीं रहता है। ये सवाल ये बताता है कि इजी सवाल भी आप गलत कर सकते हो अगर आपने रिवाइज नहीं ढंग से किया। समझ गए? सब सवाल समझ में आ रहे हैं? यूपीएससी के सवाल हैं, इजी थे, टफ थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और याद रखने के बाद। अब ये सिंपल सवाल है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। कौन से ब्रिटिश एक्ट ने सिविल सर्विसेज को ओपन एग्जाम में कन्वर्ट किया? हाँ, 53। अगला सवाल 11 देखिए, असर्शन और रीजन बताइए। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, गलत है? कौन बोला गलत है? तो गलत कौन बोला? कोई गलत बोला? मैडम आपका नाम क्यों गलत है बताइए। अरे भाई, हम गलती समझेंगे तभी तो सही करेंगे, इसमें इतना शर्माना क्या है? कल थोड़ी एग्जाम है, एक साल बाद है ना। अगर सब आता होगा तो मेरी क्या जरूरत है फिर? हाँ बताइए। देखिए क्या लिखा है, एक्ट 1784 डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तभी तो डिस्टिंग्विश करा। पहले क्या बोला कि किसके पास है दोनों पावर? ब्रिटिश कंपनी के पास ही है ना। अब डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये दोनों पावर अब अलग अलग है, एक कौन कंट्रोल करेगा और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, आपका डाउट ये है, देखो इसलिए मैं कहता हूँ गलती समझनी चाहिए। इनका डाउट कितना अच्छा है, देखा जाए तो बहुत अच्छा डाउट है। ये यूं कह रही हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दोनों फंक्शन अलग कर दिए, पर इन्होंने समझा ये कि दोनों फंक्शन फिर भी ब्रिटिश कंपनी के अंडर ही है। यही समझाना आपने, यही समझाना कि भाई कंपनी के अंडर ही है पर अलग कर दिए, मतलब कंपनी के अलग अलग दो आदमी देख रहे हैं, ये समझी ना। अब दोबारा पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, आप जो समझी, मैं आपका डाउट समझ गया, पर आप थोड़ा डिटेल में चली गए। कह ये रहा है कि पहले डिस्टिंग्विश किया गया कि कंपनी अब दो फंक्शन कर रही है, और आगे मैंने बोला कि जब कंपनी दो फंक्शन कर रही है तो बोला गया कि इस वजह से कमर्शियल इंटरेस्ट सबसाइड हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए इन दो फंक्शन को अलग कर दिया जाए, एक फंक्शन कंपनी के पास रहने दिया जाए, एक कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाए। अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत है? इसमें ये सिर्फ पहली लाइन बोल रहा है कि ये डिस्टिंग्विश किया गया कि कंपनी अभी दो फंक्शन ऑपरेट कर रही है, उसके बाद इसलिए एक नई एंटिटी बना दी जाए। अब समझे, पहला स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। अरे भाई पहले आर पे ही रहो, आर सही है गलत है? मैंने कहा सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। अब ये तो समझ में आ गया कि दोनों सही है, यानी आंसर ए और बी में से एक है। क्या बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है? तो आंसर इज ए। तो समझ गए इस तरीके से सवाल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट टू का पहला स्टेटमेंट, पावर ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज्ड ओवर द गवर्नर्स और बॉम्बे ऑफ मद्रास, कौन से एक्ट से हुआ? चलिए पहले इसको छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, 13 हो गया। 3, इनश्राइंस दैट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल कंसिस्टेड बाय सिक्स, असिस्टेड बाय सिक्स मेंबर्स, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो क्या बच गया अब, 1793, तो ये हम कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, हो गया। तो अगर हम पहले में अटक गए थे तो हम बाकी का करेंगे। ये सवाल क्यों डाला, ये देखने के लिए कि अगर समझ नहीं आ रहा हो तो जल्दी से दूसरे ऑप्शन मैच कर लें, टाइम बर्बाद नहीं करना।
अब आपके पास दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, कोई डाउट हो तो बताइए। पहला सवाल क्या इजी है, समझ में आ रहा है हाउ टू प्रोसीड? मेरे को अभी चैट नहीं दिख रही है, बच्चे अगर कुछ कह रहे होंगे तो चैट बॉक्स नहीं आ रहा ना, इफ दे आर आस्क, कुछ पूछ रहा है क्या कोई, कुछ देख लो एक बार, हो तो बता दो। चलिए पहले में कोई दिक्कत है, क्या लिखना है इसमें इंट्रो में, क्या लिखना है इंट्रो में, क्या लिखना है? पहले तो ये लिखना है रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना, ठीक है, व्हाई द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर आंसर में क्या लिखना है मेन बॉडी में, ड्रॉबैक्स ऑफ, इंट्रो में आ गया क्यों बना, और पहला क्या है ऑब्जेक्ट वॉज गुड, तो इंट्रो में आप लिखेंगे क्यों बनाया गया, मतलब इंटेंशन अच्छी थी, पर लिखेंगे पर इट हैज सम ड्रॉबैक्स, समझ गए, इजी है। अब 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीएस मेंस में आया था, एक बार पढ़िए और बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं। और स्टेटमेंट के एंड में क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड एंड में। मैडम आपको तो सब पता है, आपका नाम नेहा, नेहल और नेहा, नेहा ओनली नेहा, तो देखिए सब पता है, मतलब अच्छी बात है, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ठीक है। एक दिन अगर टाइम मिलेगा तो वी विल सी ऑल द थिंग्स, कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, एग्जामिन, एलुसिडेट, ताकि आपको इजी रहे, पर वो अभी जरूरत नहीं है, अभी तो आपने चालू ही करा है ना। सो क्या था, पढ़िए सवाल, कोई दिक्कत है तो बताइए कैसे करेंगे, केस क्या हाईलाइट करना है, और ये दोनों आपको लिख कर लाने हैं घर पे, कोशिश करिएगा, कोशिश करके ही आंसर अच्छा होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे। क्योंकि मैंने बोल दिया यूपीएससी का सवाल है इसलिए आउट ऑफ माइंड हो गया, पहला सवाल मैंने नहीं बोला तो आपने आंसर बता दिया। देखिए ये क्या कह रहा है, तीन एक्ट की बात कर रहा है, तीनों एक्ट आपको आते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर इंडिया में कम हो गई, एलुसिडेट। इसका मतलब आपको क्या बात करनी है, रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशन इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड द इंक्रीज्ड पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। आपको कहना है 1773 के पहले इट हैड ए फ्री हैंड बोथ इन इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल फील्ड। क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है तो आपको बताना है कि ऐसा बिल्कुल भी कितना लेवल तक सही है, कितना लेवल तक गलत है। आप बताओगे कि कंपनी के रेगुलेशन चेंज हुए, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुपरविजन, ये सब बड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंपनी अबोलिश कर दी 1833 में, पर कंपनी वॉज स्टिल इन सब्सिक्वेंट ईयर में, क्या कंपनी के टेरिटोरियल पोजिशन बढ़े, क्या कंपनी के जो लोग हैं उनकी पावर बढ़ी, हालांकि उस पर सुपरविजन हुआ गवर्नमेंट का, पर इकोनॉमिकली इट इज करेक्ट कि उसकी धीरे धीरे मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये भी सही है कि रेगुलेशन भी करा गया, आपको डिग्री में बात करनी है ना, तो आपको इन तीनों चीजों से बतानी है कैसे कैसे कंपनी 1773 के पहले क्या थी और 18 इन थ्री एक्ट के जरिए कैसे कैसे रेगुलेशन और इम्पोजिशन बढ़ा और कमर्शियल एंटिटी कैसे खत्म हो गई और पॉलिटिकल लेवल पर क्या पावर में चेंजेस आए, ठीक है। तो ये था, एंड हो गया, आप कोई डाउट है तो बताइए चैट पे, अच्छा तो बोल देता हूँ, चालू है ये, तो पीडीएफ डाल दिया है, डोंट नो बट वी कुड नॉट लिसन एंड, देखो पीडीएफ डाल दिया है चैट पे, आप एक बार देख लीजिए ऑनलाइन, और मैं एक मिनट और रुक जाता हूँ, आपको ऑनलाइन पे किसी को डाउट है एक दो मिनट आप क्वेश्चंस देख लीजिए, ऑनलाइन किसी को डाउट है तो हम देख लेते हैं, और आप लोग यहाँ एक मिनट दो मिनट और मेरे को देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और आज की क्लास से आपका कुछ इनपुट है तो वो भी दे दीजिए। प्राची, हाँ
कमर्शियली कैसे इंक्रीज हुई होगी? 1833 में क्या हुआ मैडम? क्या ट्रेड कर सकती 1833 के बाद? अरे जरूरी थोड़ी, उसने पूछा है तो लिख ही देना है, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। वी विल नॉट अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। अगर आप अपोजिशन में बैठे हैं तो क्या हर बात पे आप मतलब पार्टी में है तो हर बात पे ठोकेंगे भी नहीं, और अपोजिशन में तो हर बात में हंगामा में भी नहीं करेंगे। यूपीएससी है, जो आपको लग रहा है लिखिए। क्रिटिकली पूछा है, ये नहीं कहा अपोज ही करिए, क्रिटिकली। क्रिटिकली मतलब जहां सही लग रहा है बताइए, जहां गलत लग रहा है बताइए। सर प्लीज प्रोवाइड अस द पीडीएफ बिफोर द, ठीक है ना? अगर कुछ पीडीएफ होगी तो कल से क्लास के पहले टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। और कुछ सवाल किसी का? सभा समाप्त या कुछ पूछना है? अरे बताया नहीं, हाँ मैं तो भूल ही गया, सागर गुप्त, मुझे लगा पता होगा। ठीक है, मैं भी भूल गया वैसे बताना। चलिए ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो मैं क्लास के बाहर हूँ थोड़ी देर, आप पूछ सकते हैं। ठीक है।